हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। बिफोर बिगिनिंग वी विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। हियर वी विल बिगिन। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो अभी हम लोग चैप्टर 3 में एंटर करने वाले हैं। तो उसके पहले क्योंकि भगवद गीता हम लोग सब पहली बार सुन रहे हैं, जितना बार हम लोग रिवाइज करेंगे दैट विल गो इन टू आवर लाइक इन आवर न्यूरॉन्स नेटवर्क, है ना। जितना हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे दैट विल गो इनटू आवर लाइक इन आवर ब्रेन्स। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि टू रिवाइज भगवद गीता एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, साइमल्टेनियसली वी कैन गेट टू नो इन मोर डिटेल। तो जितना हम लोग रिपीट करते हैं उतना हमारे दिमाग में चीजें याद रहती हैं। तो हम चैप्टर 3 में जाने के पहले, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू एंटर इनटू चैप्टर 2 नेक्स्ट संडे, जो आने वाला संडे है, तो उसके पहले कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे आज हमने बताया कि किस प्रकार से हमें आचमन करना है, तिलक कैसे करते हैं हम लोग, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर 1 के ग्लोरीज के बारे में चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 1 के सुनने का क्या प्रभाव होता है, क्या हमें इफेक्ट मिलेगा, क्या फलश्रुति मिलेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने अच्छे से लाइक मोस्ट ऑफ यू हैड ऑलरेडी वेरी नाइसली पार्टिसिपेटेड इन द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी होपफुली, आई थिंक, बिकॉज देयर वाज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। लेकिन कुछ लोग जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए आज अच्छा मौका है कि हम एक डेडिकेटेड क्लास दे रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 1 के ऊपर। तो हमने किस प्रकार से बताया था कि भगवान ने इस प्रकार का सेटिंग ही क्यों चूज किया, युद्ध भूमि के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो आप लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा, नाउ इट्स योर टाइम टू इंटरैक्ट, कि भगवान ने ऐसा ऐसा
ऐसा सेटिंग क्यों चूज किया, इस प्रकार के सिचुएशन में भगवान ने भगवत गीता क्यों बताई? कोई शेयर करना चाहेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर व्हाई कृष्णा लाइक टू गिव द टॉप मोस्ट फिलोसफी, भगवान ने भगवत गीता का फिलोसफी बताने के लिए ये इस प्रकार का सेटिंग सैन्य भूमि के अंदर क्यों, कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी, एनीवन इन द चैट बॉक्स वुड लाइक टू रिप्लाई? हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था इसको, यस ओके कैलाश जी बता रहे हैं कि क्योंकि तब अर्जुन जी ज्यादा कॉन्शियस थे, सुनना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि विडंबना में पड़े थे और उनके कान काफी खुले हुए थे, है ना, ही वाज मोर ईगर टू हियर अबाउट फिलोसफी। एनीबॉडी एल्स? अधीरज जी बता रहे अर्जुन, आई डिडंट गेट योर रिप्लाई। राजेश जी बताते हैं कि हाँ रिलेटिव नियर डियर थे, ओके इस समय ठीक है, लेकिन हम लोगों को वो क्या शिक्षा देना चाहते, वो तो अर्जुन के साथ था, अर्जुन के साथ वो प्रॉब्लम था, हमारे साथ में तो हमारे कोई सगे संबंधी को हमें मारने की कोई तुलना कोई नौबत नहीं आई है। कोई एक बताना चाहेगा वाई अर्जुन के लिए वो सेटिंग जरूरी है, हमारे लिए इस यस मोहित सेट इज क्लोजर कि हर एक के जीवन में अपनी 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 कुछ अपने कुछ युद्ध होते हैं, तो उस प्रकार से हम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि युद्ध भूमि में हाँ शुभांगी इज ऑल्सो लाइक इट्स क्वाइट गुड ओपिनियन कि किस प्रकार से कि जो भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व को देना चाहते थे वो इस तरह के क्लाइमेक्स सिचुएशन में देना चाहते थे। दीपांकर इज मोर बेटर, है ना दीपांकर जी, इन टफ टाइम हाउ टू रिवाइव आवर आवर लाइक आवर कॉन्शियसनेस, यस। तो बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सेस। यहाँ पर ये सीख सकते हैं, यस संदीप सेन गुप्ता जी, यू आर राइट, यहाँ पर बेसिकली हमारा ये उद्देश्य जानने का कि जब अगर अर्जुन जैसा व्यक्ति वो ही वाज अ क्षत्रिय और उनको अभी क्या करने वाला है, अभी करियर का द टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू कम ड्यूरिंग दिस टाइम, अब उस समय इतने क्राइसिस सिचुएशन में अर्जुन के समय अर्जुन के पास में, यस अमिता जी आई एम कमिंग टू द पॉइंट, यस थैंक यू सो मच, कि इस समय के समय जब वो सबसे ज्यादा नर्वस है, सबसे ज्यादा दुविधा में है और सामने अपना कॉल ऑफ ड्यूटी बुला रहा है, पुकार रहा है हमें, ऐसे समय में भी ही इज रेडी टू हियर अबाउट लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन। तो हमारे लिए लेसन यहाँ पर यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे एंगेजमेंट्स रहती हैं, बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर हम भगवान के सामने भगवान के लिए कुछ अगर समय निकालना चाह रहे हैं देन दिस इज आवर बेस्ट थिंग, है ना, ये हम लोग समझ सकते हैं कि दिस इज यहाँ से हम ये चीज सीख सकते हैं कि अगर अर्जुन ने समय निकाला तो हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते। अर्जुन जैसा स्थिति इतना बिजी तो हम लोग नहीं है अपने जीवन में, चलो किसी की बेटी की शादी है, किसी का बोर्ड एग्जाम है, किसी का सो मेनी थिंग्स, बट इस तरह की सिचुएशन जितनी अर्जुन के जीवन में आई है उस पोजीशन में एटलीस्ट हम तो नहीं है, तो हम एटलीस्ट भगवद गीता जरूर सुन सकते हैं समय निकालकर, वी शुड ऑलवेज हियर, यहाँ पर ये हमारे लिए लेसन था। तो आगे हमने ये चर्चा की थी अपने सेशन में कि किस प्रकार से हमारे लिए अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता क्या है, हमने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बताई थी, हमारे लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कोई एक भगवद गीता नाम की पुस्तक है, हमारे मूवीज में सिनेमाज में दिखाया जाए कि मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन आजकल वो भी हटा दिया है, क्यों, क्योंकि भगवद गीता का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है भगवद गीता क्या है और इसीलिए बस भगवद गीता पे हाथ रखकर भी लोग झूठ बोलते थे, इसीलिए सारे कोर्ट से सब प्रकार के स्क्रिप्चर्स को हटा दिया गया है कि वी आर नॉट टेकिंग एनी ओथ ऑन एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, क्योंकि लो या ना लो लोग झूठ बोलेंगे, एटलीस्ट गिव सम विटनेस, एटलीस्ट डोंट ऑफेंड रिलीजियस बुक्स, इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ से ये सारी चीजें चली गई। लेकिन हमारे लिए भगवद गीता का आइडिया यही है कि वो किताब जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में विटनेस के पहले हम लोग साक्षी रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज की वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब उसके बारे में हमें पता होता है, अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है तो अब उसकी वैल्यू क्या समझ में आएगी। अनफॉर्चुनेटली भारत में यही सिचुएशन है, नोबडी नोज अबाउट भगवद गीता, सब लाते तो हैं लाल कपड़े में लाके अपने पूजा घर में रख देते हैं और धूप बत्ती दिखाते रहते हैं, अरे उसका मेन उद्देश्य है हमें अपने इंटेलिजेंस की द्वारा उसकी पूजा करनी है, ना कि पूजा घर में रख के, ऑफकोर्स अगर आप पूजा करना चाहते हैं एक कॉपी उधर रख दो, अपना एक पर्सनल कॉपी रखो जहाँ पे पढ़ सकते हैं। भगवत गीता की पूजा करना भी भगवान कृष्ण की पूजा के बराबर है, लेकिन उससे हमें उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि हम डायरेक्टली पढ़ के मिलेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने ये सारी चीजें बताई थी कि किस प्रकार से वेद व्यास जी ने गणेश जी को डिक्टेट किया, इस प्रकार से हाउ महाभारत वॉज रिसाइटेड, महाभारत का ये अंश है, पूरी तरह से हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से द्यूत क्रीड़ा हुई, द्यूत क्रीड़ा के बाद द्रौपदी को भी लाइक she was also she was insulted in the war again
उनको देश निकाला किया गया, सबके सब घर से वहां से बाहर निकले. एंड लेटर ऑन इस द्यूत क्रीड़ा के बाद दिस थिंग हैपेंड, राइट, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी चीरहरण लीला. और उसके बाद दे हैड टू गो थ्रू दिस वॉर. और वॉर के पहले ये सारी चीजें घटनाएं घट रही है. हमने काफी डिटेल में घटना की थी, बताई थी कि किस प्रकार से युयुत्सु हैड टू हैड चेंज्ड द पार्टीज, राइट. तो आज हमारा जो डिस्कशन है चैप्टर वन से है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि भगवद गीता के पांच सब्जेक्ट मैटर्स है. व्हाट आर द फाइव सब्जेक्ट मैटर्स? जीव, काल, कर्म, प्रकृति एंड परमात्मा, भगवान. ठीक है, तो बेसिकली पहले जो भगवद गीता को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, थ्री सब्जेक्ट मैटर्स. कोई बोलना चाहेगा व्हाट आर द थ्री थिंग्स? हमने सैंडविच का एग्जांपल एक बार दिया था. व्हाट इज भगवद गीता डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर क्या 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 तीन पार्ट्स थे? द अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द लोअर पार्ट. अपर पार्ट में कौन सा योग के बारे में बताया गया है? यस, सो समबडी इज अपर पार्ट इज कर्मयोग. यस, कर्म, भक्ति, ज्ञान. दीपांकर जी, मोहित जी, यस यू आर राइट. कैलाश जी, यू आर राइट. तो अपर पार्ट में कर्मयोग के बारे में है, पहले छह चैप्टर्स. और उसी को हम आगे ऑलमोस्ट लाइक टिल फेब्रुअरी वी विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स. यस अनिकेत, अदिति, राइट, यू आर परफेक्ट. बीच में भगवत गीता का जो मोस्ट सीक्रेट पार्ट है, दैट इज इन द मिडिल. एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट? लास्ट पार्ट इज एक्चुअली ज्ञान योग. तो ये तीन पार्ट से भगवत गीता कंपोज है. तो भगवद गीता पढ़ने से हमें क्या मिलता है? शोक, मोह और भय, इन तीनों से हमें मुक्ति मिलती है. इसीलिए भगवद गीता हमेशा पॉकेट में, अगर हो सके श्लोका बुक पॉकेट, अगर आप लोग याद करना चाहते हैं कोई भी श्लोक, तो श्लोकों से हमें शोक की मुक्ति, हमारे शोक से हम मुक्त हो सकते हैं भगवद गीता के श्लोक पढ़ के. तो ये तीन चीजें हमें मिलता है. श्लोक, शोक किसका होता है? पास्ट का. इल्यूजन कब का होता है? फ्यूचर का, क्या होगा मेरा, है ना. पाक, लैमेंटेशन किसका होता है? अरे ये चीज मुझे नहीं मिला, ये चीज आई कुड नॉट अचीव दिस थिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ पास्ट, रिग्रेट. इल्यूजन, अरे क्या होगा, सही गलत का हम लोग आइडिया नहीं कर पाते हैं, हम लोग को बिवल्डरिंग सिचुएशन लगता है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन. तो दैट इज ऑफ मोह, दैट इज रिगार्डिंग फ्यूचर. भय मतलब ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं उसका हमें डर लगता है. भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम, शोक मोह भयापह, भागवतम इज ऑल्सो वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स विच रिलीव्स अस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि कभी भी हम किसी सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हैं तो तीन चीजें जरूरी होती है. किताबें पढ़ना, किताब पढ़ के, लेकिन कभी कभार सिर्फ किताब पढ़ के भी कोई पूरी चीज नहीं समझ सकता है, इसलिए टीचर भी चाहिए होते हैं. और टीचर क्या करता है? टीचर का काम क्या है कि वो प्रैक्टिकल के द्वारा, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हमें एक्सपीरियंस सिखाते हैं. उसी प्रकार से भगवद गीता के कोर्स में भी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर हम लोग किस प्रकार से सीखेंगे, स्क्रिप्चर्स, शास्त्र तो पढ़ने ही है, दीज आर आवर बुक्स, लॉ बुक्स, टीचर, एंड वी हैव टू हियर फ्रॉम स्पिरिचुअल टीचर्स. मेनी स्पिरिचुअल टीचर्स आर देयर, है ना, तो वी कैन हियर फ्रॉम देम. And simultaneously, and of course, from bona fide sampradaya. Either उधर ऐरा गैरा नथू फेरे से नहीं, चाय वाले ठेला वाला से भगवद गीता सुनने जाएंगे तो we cannot understand. Simultaneously, सुनना और पढ़ना, ये दोनों जब हो जाए, then we have to apply also. And that is actually practical application. उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? Realization, साक्षात्कार. हमारे हृदय में साक्षात्कार आता है. ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना, ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है through our hearing, reading, as well as application. तीनों चीजें पैरेलली चलनी चाहिए. सिर्फ भगवद गीता पढ़ेंगे तो भी काम नहीं आएगा. सुनने से, और अगले हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, सुन रहे हैं लेकिन अपने खुद स्पिरिचुअल स्टडी नहीं कर रहे हैं, then also it's completely useless, क्योंकि हमारा खुद का नॉलेज खुद की तरफ से कोई एंडेवर नहीं है. और साथ ही साथ अपने जीवन में अप्लाई भी करना है हमें, तब जाके वो नॉलेज प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है, रियलाइज होती है. इसीलिए एक और एप्लीकेशन का ये पार्ट भी है जो हम आज करने जा रहे हैं क्लास के बाद में, कि हाउ टू अप्लाई तिलक, किस प्रकार से तिलक करना है, या फिर हम लोग आचमन कैसे करते हैं, बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैटर्स. डे टू डे हम लोग जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है हमें. पहले आचमन करके हमें पूजा रूम में जाना चाहिए, तो आज हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर. तो हमने ये सारी चीजें बताई थी कि हमारे कोर्स मटेरियल क्या है गीता सुबोध में. तो बेसिकली अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये जो चैप्टर था, दिस चैप्टर वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सबको याद है. आई एम नॉट गोइंग इन मच मोर डिटेल. सैन्य निरीक्षण योग फ्रॉम 1.1 टू 1.27. तीन प्रकार के लोगों ने सैन्य निरीक्षण किया. किसने किसने? संजय ने, दुर्योधन ने एंड अर्जुन ने.
एक से 27 नंबर श्लोक, क्योंकि पूरा का पूरा तो सैन्य निरीक्षण संजय ही कर रहे हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिली है दुर्योधन वेद व्यास जी से। दुर्योधन भी देख रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, उनकी तरफ से भी सैन्य निरीक्षण हो रहा है, लेकिन अंत में जो सैन्य निरीक्षण हो रहा है वो अर्जुन है। तो अर्जुन और दुर्योधन का जो पर्सपेक्टिव है वो आज चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ धृतराष्ट्र का, ये तीन प्रकार के लोगों का। तो इस चैप्टर, ये भगवद गीता शुरू होती है इस प्रकार के एनवियस व्यक्ति से, ईर्षालु व्यक्ति से। तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ऐसे व्यक्ति धृतराष्ट्र, जो हमेशा पहले श्लोक में हमें समझ में आ रहा कि इनकी मेंटेलिटी क्या थी, ऐसे व्यक्ति को भगवद गीता जैसे पावन ग्रंथ में क्यों स्थान मिला है? क्योंकि अगर भगवदगीता पावन है तो उसमें धृतराष्ट्र भी एक तरह से अमर हो गया ना, क्योंकि हर ही विल बी फेमस फॉर इटर्नैलिटी। चाहे कितने भी सत्ययुग त्रेता द्वापर कली आए, भगवदगीता तो आने वाले जितने भी युग है उनके लिए वो दिस इज अ स्टैंडर्ड लॉ बुक नाउ। लेकिन उसमें स्वर्णिम अक्षर में धृतराष्ट्र का भी नाम है, क्यों? क्योंकि पहला श्लोक तो वही बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम कह पांडवास्तव किम अकुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र, हमने अच्छे से चर्चा की थी, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया कुरुक्षेत्र को, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उनके ही एक पूर्वज थे जिनका नाम था कुरु, और उन्होंने वहां पर धर्म की खेती की थी, उन्होंने हल से धर्म की खेती की थी। उस समय विष्णु को उन्होंने पर्सनली उन्होंने वहां पर आमंत्रित किया था, और उन्होंने वरदान में ये मांगा था कि यहाँ ये दिस प्लेस शुड बी अ प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो उस समय से ये उनके ही पूर्वजों का स्थान रहा है, धर्म क्षेत्र रहा है। और इसका यहाँ पर हमने एक शुंड और उपशुंड उसके बारे में कहानी बताई थी कि किस प्रकार से वो तिलोत्तमा के लिए भाग रहा था। आप लोगों को बहुत लोगों को याद आ रहा होगा कि तिलोत्तमा के लिए कोई एक प्लेस का क्या है सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लेस। तो राम जी और लक्ष्मण जी जब एक स्थान में जाते हैं, लक्ष्मण जी को भी उस स्थान पर जाने के बाद फीलिंग्स होती है कि मैं राम जी की इस प्रकार से, राम जी की वजह से मैं भी वनवास में आ गया, ये सब क्या कर रहा है राम का है। अगर राम, अगर लाइक बिकॉज ऑफ राम आई ऑल्सो हैड टू कम, इस प्रकार की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही थी। तब कुछ देर बाद उनका जब होश आए तब उनको समझ में आ रही, मैं अपने भ्राता, अरे भगवान श्री राम के अगेंस्ट मैं इस तरह की बातें सोच रहा हूँ। तो भगवान श्री राम के सामने वो जाते हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मैं आपके अगेंस्ट में इस प्रकार की चेतना क्यों रख रहा हूँ, क्या हो गया मेरे अंदर, मैं तो आपका प्रिय भ्राता हूँ। तब राम जी ने बताया कि एक्चुअली तुम्हें समझना पड़ेगा, हम जिस स्थान पर आए हैं वहां पर जो घटना घटी है उसकी वजह से तुम्हारी चेतना प्रदूषित हो रही है। तो उन्होंने बताया क्या घटना घटी थी। तो उन्होंने फिर बताया कि शुंड और उपशुंड नाम के ऐसे एक असुर हुए थे जिनको किसी भी व्यक्ति से, लाइक देवर ऑलमोस्ट लाइक इनडिफिटेबल अनकॉन्करेबल, एंड इस प्रकार से उनकी उनकी एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से उनको मारना बहुत ही मुश्किल था। तो सब देवताओं ने त्राही त्राही माम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, इनको अगर भिड़ना, अगर ये करना है तो विश्वामित्र, हमारे विश्वकर्मा को एक ऐसे अप्सरा की सृष्टि करनी होगी जिनका, जिनकी वजह से ही विल बिकम अट्रैक्टेड। तो विश्वकर्मा ने एक अप्सरा का निर्माण किया, कृति की, और हर प्रकार के यूनिवर्स के बेस्ट ऑफ थिंग्स से उन्होंने क्रिएशन स्टार्ट की। तो उससे उन्होंने क्रिएशन किया किसका, तिलोत्तमा का। तो उस तिलोत्तमा, वो जब इन दो भाइयों के पास जाती है शुंड और उपशुंड, उनको अट्रैक्ट करने लगती है, तब ये बोल रहे हैं अरे दोनों के बीच में कलह आना शुरू होता है, ये तेरी भाभी है, नहीं 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 ये तेरी भाभी है, ये मेरी पत्नी है, तेरी भाभी है। तो दोनों के बीच में उस समय ऐसा घमासान युद्ध हुआ और दोनों आपस में भिड़ के मारे गए। तिलोत्तमा तो बस शी हैड कम फॉर दिस पर्पस ओनली, उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों में से खुद डिसाइड कर लो कौन मेरा पति बनेगा। तब तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैड हैपेंड ऑन दैट प्लेस। इसीलिए हमने ये बताया कि प्लेस का भी सिग्निफिकेंस है, और इस कारण से ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ पर ये लोग क्यों आके उन्होंने युद्ध का जो प्रिपरेशन यहाँ पर क्यों किया, कि वाई दे चोज कि कुरुक्षेत्र में ही हम लोग युद्ध करेंगे, क्यों? क्योंकि पुरा काल से कुरु भूमि जो थी वो पवित्र भूमि थी। पहला रीजन, क्योंकि कुरु नाम के जो उनके पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे धर्म की खेती की थी, और खेती में क्या होता है, जैसे प्रकार से खराब जड़ों को उठाकर फेंक दिया जाता है, मतलब जो भी वीड्स होते हैं, जो भी खरपतवार होते हैं उसको उठाकर फेंक देते हैं हम लोग, और क्या करते हैं, जो सीड होते हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर धर्म की खेती होगी और अधर्म का विनाश होगा, इसीलिए इस हेतु से उन्होंने यहाँ पर कोशिश की। और तो और यहाँ पर परशुराम ने भी, अगर हम लोग जाएंगे तो शामंत पंचक नाम के यहाँ पर कुंड है, तो यहाँ पर परशुराम जी ने भी यहाँ पर पूरी पृथ्वी को जब 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो उनके रक्त से यहाँ पर कुंड बनाए थे। ऑफ कोर्स दैट बिकम लेटर ऑन अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, वो थर हमारा एक इट बिकेम यहाँ पर तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। आज भी अगर हम लोग अगर हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में, वो स्थान अभी भी है जिस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पूर्व
उसका नाम क्या है, ज्योतिसार। तो उस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया था। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे कुरुक्षेत्र कुछ नहीं बल्कि ये शरीर है, पांच कौरव क्या है, पांच पांडव क्या है, ये पांच इंद्रियां हैं, 100 कौरव हमारे 100 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह और इतने सारे इच्छाएं। तो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन। अगर इस प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट, अगर ऑफ कोर्स ये एक मापदंड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुरुक्षेत्र एक फिजिकल प्लेस भी है, फिजिकल प्लेस भी है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो दैट प्लेस इज स्टिल सिचुएटेड इन इन हरियाणा, हरियाणा में ये स्थान है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है, इट इज नॉट अ माइथोलॉजी। हमें सिखाया गया है कि भगवद गीता इज अ माइथोलॉजी, माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स अ नोन फैक्ट, इट इज पार्ट ऑफ अवर स्क्रिप्चर्स, इट इज अ हिस्ट्री, नॉट माइथोलॉजी। तो गलती से भी इसको माइथोलॉजी शब्द मतलब मिथक, तो ये मिथक नहीं है, ये ऑल दीज आर ओरिजिनल स्टोरीज, रियल स्टोरीज। तो इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र का स्थान कैसे आया, माम अकाह पांडवास्यैव, क्योंकि उनके अंदर अपने और परायों का भेद था। ऐसा व्यक्ति धृतराष्ट्र, उनका नाम से ही समझ में आता है, जिसने राष्ट्र की गद्दी को पकड़ने के लिए धृतराष्ट्र वो पकड़ के रखा है वो शेर को, he doesn't want to leave his post and position। ऐसा व्यक्ति के साथ क्या गति हो सकती है? तो ऐसा व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर नेता अगर ऐसा हो, अगर कोई लीडर ऐसा हो, he is not fit for our any kind of rulership। इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी को यहाँ पर दिखाया गया है, और हमें इस प्रकार की मेंटेलिटी से ऊपर उठने के लिए कि हम और अपने में और परायों में भेद करें, बिकॉज ही इज अ लीडर, जो ऐसा लीडर है जो अपने फैमिली में ही अपने भतीजों को इस थिंक कि ये मेरे पराये हैं, इसको पांडव कहा है उन्होंने, और माम कहा मतलब कौरव को कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति पूरे देश को क्या संभालेगा, पूरे देश के लोगों के साथ भी तो इसी प्रकार की चेतना रखेगा। इस प्रकार की चेतना युधिष्ठिर महाराज में नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे लिए धृतराष्ट्र की इस मेंटालिटी से ये सीखने को सबक मिलता है। और लास्ट में उनका ये जो प्रश्न है, किम अकुर्वत संजय, इससे हमारा ये हेतु था कि ये तो जानते ही हैं कि यहाँ पर सब युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछना किम अकुर्वत, उन्होंने किया क्या, दिस इज कम्प्लीटली यूजलेस क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपके सामने थाली के खाने का थाला परोसा जाए और बोला जाए कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स उन्होंने खाया होगा। यहाँ पर लोग युद्ध करने के लिए आए हैं तो ऑफकोर्स युद्ध ही करेंगे ना। तो उनका मतलब ये था, उनका अभिप्राय ये था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में आके वो चैरिटी ना देकर आ जाए कि हमें युद्ध वुद्ध नहीं देना है। क्यों? क्योंकि धर्म क्षेत्र के स्थान का दायित्व है, इसीलिए हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वो भी शुद्ध स्थान होना चाहिए। हमारी चेतना को उसका इफेक्ट पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एवरी प्लेस ऑल्सो मैटर्स, इसीलिए हम हर स्थान पर कभी भी हम लोग घर की स्थापना, घर हम लोग भूमि घर के लिए भूमि पूजन करते हैं, अनंत शेष को मंदिर जब भी स्थापना होती है पहले अनंत शेष को उस स्थान पर पूजा करके अनंत शेष को विराजित किया जाता है, फिर भगवान का आह्वान किया जाता है कि भगवान आपके लिए मंदिर बनाया जाएगा। या फिर हम लोग घर पे भी अगर घर भी बनाते हैं तो पहले यज्ञ करते हैं, उसके बाद गृह प्रवेश में भी विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है, ताकि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको हम वहां से रिमूव कर सके। तो ये यहाँ पर उद्देश्य है। तो उन्हें ये लगने लगा कि शायद मेरे बेटे चैरिटी करके आ जाए, या फिर पांडव लोग उस प्लेस के इन्फ्लुएंस में आके युद्ध ही ना लड़े और बोले कि भाई सारा चीज तुम्हारा है, इसीलिए वो डाउट चीज पूछने के लिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। तो ये तो पहला श्लोक था। तो बेसिकली चैप्टर 1 में भगवद गीता में भगवान ने एक भी श्लोक नहीं किया, लेकिन भगवान ने एक भी श्लोक ना कहने के बावजूद भी हमारी चेतना वही तैयार करता है ये चैप्टर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 हमारे लिए 3 प्रकार के साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है, ताकि हम इस 3 प्रकार के लोगों को समझ सके और अपनी चेतना को इन 3 प्रकार के लोगों से सीख कर हम आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर हमने धृतराष्ट्र के आइडियोलॉजी को हमने समझा कि वो उसका कन्विक्शन किस पे डिपेंड किया हुआ है, कंपैरिजन और एनवी पे। धृतराष्ट्र राष्ट्र को होल्ड करना चाहता है वो। दूसरा है दुर्योधन। तो दुर्योधन का क्या है, क्रिटिकल नेचर, इनसिक्योरिटी। अभी हमें समझ में आएगा कि उसका डरा हुआ है और बाकी लोगों के बारे में बखान करता है, फिर कभी अपने ही गुरु को खुश करना चाहता है। इस प्रकार से जो भी स्टेटमेंट बोलता है वो नाप तोल के कह रहा है। He is very much हमें we should not be ready for this political nature। जो हमारे हृदय में है वो हमारे मुख पे भी होना चाहिए। Duplicitous character नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त को सीधा साधा simplicity should be his nature, right? कि अगर कोई शत्रु भी अगर मारने को आए, हमें सत्य बोलने का, of course ये काफी difficult है, लेकिन सत्य बोलने का हमारा at least उतना बड़ा जिगरा तो होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा चीज, यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि टेंडेंसी टू पुल अदर्स डाउन, अपने ही गुरु का वो क्या कर रहे हैं, ही इज पुलिंग हिज ट्राइंग टू पुल हिम डाउन टू
लाइक अपने गुरु का भी वो व्यक्ति है, लेकिन गलत जगह कंपैशन को सॉरी सर, नेटवर्क इश्यू इज हैपनिंग। तो बेसिकली आगे हम अगर हम चले तो लेट्स मूव अहेड। तो चैप्टर वन को हमने डिवाइड किया था, पहला दो सेक्शन, चैप्टर वन इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। चैप्टर पहला है सैन्य निरीक्षण योग, अर्जुन विषाद योग। भिन्न भिन्न टीकाकारों ने इस चैप्टर का भिन्न भिन्न प्रकार से नाम दिया है, किसी ने सैन्य निरीक्षण योग को नाम दिया है, किसी ने अर्जुन विषाद योग का नाम दिया है। दोनों सही है, इट्स नॉट अ इशू। तो इसको हमने इस प्रकार से डिवाइड किया था कि पहला सबसेक्शन धृतराष्ट्रस इंक्वायरी एंड दुर्योधन्स फियर एंड डिप्लोमेसी, सेकंड वाज पांच साइंस, लाइक देयर वर मेनी साइंस ऑफ विक्ट्री, युद्ध के विजय के लक्षण पहले ही समझ में आ रहे थे, और तीसरा अर्जुन को अभी क्या समझ में आ रहा है कि लाइक ही इज ऑल्सो डूइंग हिज सैन्य निरीक्षण, और अभी अर्जुन भी वही दृष्टि देख रहा है जो कि दुर्योधन ने देखा, लेकिन अर्जुन भिन्न प्रकार से देख रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बताई थी कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के सामने किस प्रकार से नाप तोल के बात कर रहे हैं, किसका किसका नाम उन्होंने लिया, द्रुपद, योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द्रुपद, द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने ये सेना खड़ी की है, लेकिन किसको उसको ट्रेनिंग किसने दी, आप ही ने दी, ये आपका इंटेलिजेंट डिसाइपल। देखिए इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप इतने बेवकूफ हैं कि आपने जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा उसी को आप अपना सारा शस्त्रों का ज्ञान देकर आ गए। तो आप अपने ही गुरु का वो एक तरह से अपमान कर रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले किसका नाम लेता है, भीम का, कि उस पार्टी में कौन है। अभी तो दुर्योधन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, तो पहला नाम किसका लेता है, भीम का, क्योंकि उससे उसकी ज्यादा ईर्ष्या है। उसके बाद अर्जुन का, युयुधान, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरुचित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। ये सब के सब महारथ थे, एक साथ हजारों हजारों रथियों के साथ युद्ध लड़ने की उनकी क्षमता थी, इसीलिए उनका नाम था महारथी। आगे चल के जो इसको हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया था डाउट फॉर्मूला से, डी फॉर धृतराष्ट्र एंड डी फॉर दुर्योधन, ये याद करने के लिए, सुविधा के लिए, ओ फॉर ओमिनस रिजल्ट या साइंस ऑफ विक्ट्री कि अब शकुन पहले से उनको दिख रहे हैं, यू फॉर अनसर्टेनिटी 21 से 27 जब अर्जुन को पूरी तरह से कंफ्यूज होने वाला है, और लास्ट में बी फॉर बिविल्डरमेंट, अर्जुन बिविल्डर होते हैं, और टी मींस टर्निंग पॉइंट। तो इसी चैप्टर का ऑलमोस्ट हम लोग दूसरे प्रकार से भी विभाजन कर सकते हैं, डी ओ यू बी टी फॉर्मूला से, जो भी फॉर्मूला आपको सही लगे इस चैप्टर को दिमाग में रखने के लिए। तो दिस वाज आवर इन एट अ ग्लांस ऑफ भगवद गीता। तो यहां पर हमने एक चीज चर्चा की थी 10 से और 11वें नंबर श्लोक में, तो एक और चीज, तो पहले उन्होंने जब यू का नाम लिया कि मेरी हमारी सेना में आप हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको मस्का लगाना चाह रहे हैं, खुश करना चाह रहे हैं, तो पहले द्रोणाचार्य का नाम लेता है। लेकिन दिक्कत क्या थी, ही शुड नॉट हैव टेकन द नेम ऑफ द्रोण, क्योंकि द्रोण से ज्यादा भीष्म सीनियर सिटीजन है, भीष्म पितामह है, उनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन जस्ट टू इम्प्रेस हिम, ताकि उनको थोड़ा फुला सके, वो थोड़ा खुश कर सके, तो पहले उनका नाम लेते हैं। फिर उनको लगता है अरे भीष्म को क्या लगेगा कि पहले मैंने द्रोणाचार्य का नाम ले लिया, तो डिप्लोमेटिक नेचर की वजह से उन्होंने फिर पहले नाम लिया, अरे मैंने गलती कर दी, इसलिए भीष्म को खुश करने के लिए, क्योंकि सब सुन पा रहे थे उनकी बात, तो भीष्म के नाम लेते हैं। नेक्स्ट किसका नाम लेते हैं, कर्ण, लेकिन कर्ण युद्ध भूमि में है ही नहीं, सोचिए कर्ण जो कि युद्ध भूमि में नहीं है, क्योंकि आपस के क्लेशों की वजह से उन्होंने कहा था जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने उन्हें अर्धरथि कहा था, ये तो अर्धरथि है ना, क्योंकि जब इसको एक्चुअली वेपन यूज करने का टाइम आएगा वो भूल जाएगा कर्ण, तो इसका रहना नहीं रहना
दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस. ब्रह्मास्त्र जब चलाना होगा तब उसको मंत्र याद नहीं आने वाले, तो ये तो अर्धरथी है, इसका इसे बोलता है कुछ काम का नहीं. तो भीष्म पिता और कर्ण के बीच में ये विवाद हुआ था, इसलिए कर्ण ने बोला मैं जब तक भीष्म पिता में है. तो सोचिए किस प्रकार की दोस्ती, कि जब दोस्त को सच में जब युद्ध में जरूरत थी पहले 10 दिन तक एबसेंट है वो, लेकिन कर्ण का भी नाम लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कर्ण पे है, और कर्ण ऑल्दो ही इज नॉट देयर बट ही इट इज अ फिक्टिशियस फिगर. और उसके साथ कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण. विकर्ण का नाम क्यों लिया? क्योंकि विकर्ण ही ऐसा व्यक्ति था जिसने दुर्योधन के अगेंस्ट में द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हो रहा था तब उसने आवाज उठाई थी. ये 100 भाइयों में से एक थे. युयुत्सु 100 भाइयों से में से डिफरेंट थे. युयुत्सु ने भले ही पार्टी बदली थी लेकिन वही बाद में सबका क्रियाकर्म करने वाले थे. तो वो एक तरह से धृतराष्ट्र के एक तरह से एक दासी पुत्र, दासी के पुत्र थे उसके, उनके धृतराष्ट्र के संतान थे लेकिन उनको दासी से उत्पन्न हुए थे. कौन? युयुत्सु. तो उन्होंने अपनी पार्टी बदली थी, तो वो डायरेक्ट 100 भाइयों में से नहीं थे युयुत्सु. और साथ ही साथ अपने पितामह भूरिश्रवा के बारे में बताते हैं कि ये सब अपने वाले, ये मेरे लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए रेडी है. तो यहाँ पर हमने ये बताया था कि किस प्रकार से उसके मुंह में सच में सरस्वती देवी आई थी. तो उन्होंने क्या कहा? मदर थे त्यक्ता जीविता, है ना. तो बेसिकली उन्होंने पास पहले ही बता दिया कि फ्यूचर टेंस में ये सब जीवित करने वाले हैं, बट उन्होंने ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था. दिस शुड हैव बीन इन अनदर टेंस. तो अल्टीमेटली उनके मुख से ये निकल ही गया एंड दिस वॉज गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पर ये चीज हमारे लिए सीखने के लिए था. और आगे चल के उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह और ये पर्याप्तम और अपर्याप्तम, यहाँ पर हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी कि पर्याप्तम और अपर्याप्तम को लेकर. तो अभी सेकंड जो सेक्शन है कि किस प्रकार से पहले ही सही समझ में आ गया था कि युद्ध किसकी विजय होने वाली है. तो पहला जो साइंस ऑफ विक्ट्री, तो व्हाट आर द थिंग्स, किस प्रकार से दिव्य शंख है. पहले भीष्म पितामह को भी समझ में आ गया कि ये मेरी बड़ाई तो कर रहा है और ये चाह रहा है कि मैं युद्ध के लिए बिगुल बजाऊं, मैं अपना शंखनाद करूं. तो उन्होंने शंखनाद किया लेकिन उनके शंखनाद में उतनी पोटेंसी नहीं थी जितना कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद में थी. तो यहां पर इनके शंखनाद से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में तहस नहस, मतलब हलचल मच गई. और इनके हृदय में भय से जितने भी कौरवों के सैनिक थे सबके हृदय में भय प्रवेश कर गया. और साथ ही साथ सारे पांडवों ने अपने 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 दिव्य शंखों को, दैट्स व्हाई इनका शंख का नाम लिखा गया दिव्य. तो उसके बाद सबके शंखों का नाम है, पंचजन्य है या पौंड्रक है, इतने सारे सबका नाम हमने पता किया था. तो दिस आर लाइक वर्थ नोइंग. और बाकी काशीराज, शिखंडी, इनके पार्टी के सारे लोगों के बारे में बताया गया. तो व्हाट वर द साइंस ऑफ विक्ट्री, कृष्णास पर्सनल प्रेजेंस, भगवान जिसके साथ है उसकी तो विजय होनी है. यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर. दूसरा, गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी देवी, माधव उनके नाम के साथ ही है तो वो उनकी विजय तो होगी. भाग्य की देवी जिनके साथ है उनकी विजय होनी है. अंत में वेन्यू का भी हमने पोजिशन बताया था, धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगी. और उनके फ्लैग में कौन है? हनुमान जी है. और सिंबल ऑफ विष्णु इज ऑल्सो देयर यहाँ पर, इट्स ऑल्सो मेंशन. ट्रांसेंडेंटल कॉन्शल्स, दिव्य शंख. भीष्म का कॉन्शल सिर्फ दुर्योधन को शांत करने के लिए था. एंड अग्निदेव का रथ और ऐसे तुनीर जो कि कभी भी खाली नहीं होने वाले, उनका जो कुवर था उसमें कभी भी खाली नहीं होता था. तो ऐसा व्यक्ति विजय क्यों नहीं होगा? इसके पास वेपन्स है, बैलिस्टिक वेपन्स, मतलब इस संसार के ही वेपन नहीं है. अगर आज मान लीजिए किसी देश के साथ किसी देश का युद्ध होता है और अगर किसी देश के पास दिव्य अस्त्र, देवताओं वाले अस्त्र अगर आ जाए तो उसका तो हमेशा ही उसके पास दिस विल बी अ अपर हैंड, वो कहीं पर भी विजय तो पाएगा ही क्योंकि उसके पास दिव्य अस्त्र है. तो यहाँ पर भी दो पार्टियों के साथ युद्ध हो रही है लेकिन दोनों व्यक्ति, दोनों पार्टियां क्या है, दोनों तरफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है लेकिन अर्जुन के पास दिव्य चीजें हैं, दिव्य रथ है, दिव्य तुनीर है, दिव्य गांडीव है. तो ये सारी चीजें हमने उसकी पूछी थी. और तो क्या, बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है कि इनके पास जो कॉन्फिडेंस था पांडवों के पास, जैसे हमने बताया था कि क्रिकेट मैच में देख के ही समझ में आता है जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है ही इज गोइंग टू विन, राइट. और जिसका बॉडी लैंग्वेज पहले से ही मुरझाया हुआ था, और ये भी हमारे हाथ में नहीं रहता, कभी कभी हमारा बॉडी लैंग्वेज ही एकदम डाउन रहता है, समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है आज, यानी कि हारने वाला है. तो इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट करता है. पांडवों का बॉडी लैंग्वेज वाज सफिशिएंट इनफ टू इंडिकेट विक्ट्री, और पूरे हौसले बुलंद थे, और कौरवों के साइड में हौसले क्या थे, डाउन थे. तो ये हमने ऑलरेडी
बताया कि ये सारी चीजें चल रही थी। नेक्स्ट अर्जुन, अभी देखिए अभी यहां पर हमें एक चीज देखना पड़ेगा, अर्जुन भी उसी सैन्य भूमि को देख रहे हैं, अर्जुन भी उसी सैन्य उसी भूमि को देखते हैं, लेकिन अर्जुन एक ही चीज को कैसे किस प्रकार से देखते हैं, दुर्योधन। तो यानी कि हम यहाँ पर एक चीज सीख सकते हैं कि एक ही वस्तु को देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। दुर्योधन जैसा व्यक्ति, जो स्वार्थी व्यक्ति है, हाउ ही सीइंग कि सब लोगों को मेरे स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा है। यहाँ पर अर्जुन ऐसा व्यक्ति है, सबको लग रहा है कि अरे भाई मैं इतने लोगों को अपने स्वार्थ के लिए क्यों बलि दूं, तो इससे अच्छा है कि देयर शुड बी नो वार ओनली। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी बुद्धिमान नहीं व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई युद्ध हो। तो इस समय ऐसे सिचुएशन में आकर अर्जुन के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे शास्त्र टीकाकारों ने, भगवत गीता के टीकाकार जितने भी हुए हैं, उन्होंने ये चीज बताई है कि भगवत गीता का जो ये इंस्ट्रक्शन है, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, 432 करोड़ साल में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। ये हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे जब वैदिक टाइम स्केल के बारे में जब बताएंगे कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं, कितने बार सत्य तेता द्वापर कली का, कितने बार साइकिल चलता है, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। मे बी उसके पहले भी कभी अगर समय मिले तो हम चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आने वाले हैं, और वो कब हुए, 28 लाइक सातवें मनु के 28वें साइकिल में द्वापर युग में, और अभी सातवें मनु के 28वें साइकिल का कली युग चल रहा है, जस्ट 5000 साल गए। और भगवान का आना, क्योंकि वो अवतारी कृष्ण है, ही इज द मेन पर्सन जिससे सारे अवतारों की सृष्टि हुई है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो इस प्रकार से लीला करते हैं कि अपने साथ अपने पार्षदों को भी लेते हैं, लेकर आते हैं। तो 5 पांडव हुए, द्रौपदी हुई, ये सब उनके इटर्नल कैरेक्टर्स है, इटर्नल ड्रामा पार्टी के लोग हैं, वो कहीं पर भी जाएंगे उनको साथ में लेके जाएंगे। तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, चलो मान लीजिए इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के इस दिन में भगवद गीता कहनी है, सब बैंड पार्टी को रेडी कर लेंगे, चलो रेडी रेडी स्टडी गो, सब के सब आके भिन्न भिन्न यदु वंशियों में, कभी वृष्णि वंशियों में, कभी ये लोग वो लोग, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अवतार जन्म लेना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी चलो यदु वंश में जन्म लेते हैं, और बाद में किसी प्रकार से काल क्रम में आके ये लोग इस प्रकार से भगवद गीता की पृष्ठभूमि तैयार होती है। लेकिन हर बार जब भी ब्रह्मांड में, जब भी ब्रह्मा जी के हर दिन में, ये महाभारत के जो पास टाइम्स होती है, हर बार स्क्रिप्ट सेम नहीं रहता है, कभी कभार थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहता है। इसीलिए कभी कभार ऐसा आपको लगेगा कि अग्नि पुराण में, वायु पुराण में, शिव पुराण में, ये पुराण में ये डिस्क्रिप्शन, ये कहानी थोड़ी डिफरेंट दी गई है। जैसे एक काफी सोमोदीप इज देयर और नॉट, इफ यू सोमोदीप इज देयर यू कैन रेज योर हैंड, अगर आप हैं आज। तो हिज क्वेश्चन वाज कि किस प्रकार से हमने बताया था कि सुदर्शन चक्र और ये सारे जो चीज है, किसी कभी कहीं पर मेंशन है कि शिवजी ने, ऑफ कोर्स ये सब भगवान का दिव्य वेपन है, लेकिन जब भगवान इस बार लीला करने आते हैं तो कभी कभार शिवजी, कभी अग्नि, डिफरेंट डिफरेंट देवता लोग हर बार, तो कभी हो सकता है कि शायद कभी ब्रह्मा की किसी और दिन में शिवजी ने दिया हो, या कभी इस प्रकार इस बार इस दिन में अग्नि ने भगवान श्री कृष्ण को गिफ्ट किया कि आपका सुदर्शन चक्र आप ही ने मेरे को कस्टडी में दिया था, अभी मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ जब आप आए हुए इस ब्रह्मांड में। तो इस प्रकार से हर बार थोड़ी थोड़ी, हर पुराण में थोड़ा आपको कभी कभार लगेगा कि देयर इज अ डिफरेंस, बट दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ कल्प भेद। ब्रह्मा के हर दिन में कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट पास्ट टाइम्स हो सकते हैं, कभी कभार दूसरे यूनिवर्स का महाभारत भी कभी कभार इस तरह से हो सकता है। तो बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट कॉमेंट्रीज आर देयर, तो कभी भी बिविल्डर मत होइए कि अरे वहां पर तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कभी कभार एक ही कहानी के बहुत सारे पहलू भी होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मान लीजिए रशिया जाते हैं, तो एक ऑथर जिस प्रकार से उसको टिप्पणी में लिखेगा कि रशिया में वो इस प्रकार से गए, उसी प्रकार से कोई और व्यक्ति उसी चीज को डिफरेंट मोटिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा, जिस प्रकार से उसने ऑब्जर्व किया। तो दो शास्त्रों में कभी कभार भेद हो सकते हैं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। जैसे श्रीमद् भागवत में, महाभारत में कभी कभार आपको लगेगा कि ये चीज, यही कहानी ब्रह्मास्त्र की कहानी, जिस प्रकार से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और भागवत में थोड़ी डिफरेंट है। तो ये हमें समझना होता है कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कल्प भेद। तो कभी भी बिल्डर मत होइए इन सारी कहानियों को लेके, अरे तो सब बेकार है ना, कोई ये सब कोई इनका कोई लाइन कंसिस्टेंसी नहीं है। नो सर, इट इज नॉट लाइक दैट। तो बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के इस चैप्टर्स में नाम आते हैं, गुड़ाकेश और ऋषिकेश, ये सारे नामों के हमने मतलब बताए थे। तो ऋषिकेश का मतलब तो एटलीस्ट आप लोगों ने उस समय अच्छी तरह से ये किया था, जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, और गुड़ाकेश जो कि जिसने निद्रा पर भी विजय पाली है। पार्थ नाम क्यों है, क्योंकि प्रिथा कुंती देवी के, क्योंकि उनकी उनके वसुदेव की लाइक कृष्ण की फूफी लगती थी वो पिछी, तो इसलिए पार्थ नाम रखा है प्रिथा उनका। कुंती का एक्चुअल नाम था प्रिथा, तो कुंती भोज की पुत्री थी इसलिए नाम था कुंती।
आज कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्विज नहीं है, तो आप लोग चिंता मुक्त होकर आप सेशन अटेंड कीजिए। लेकिन जब आचमन वाला सेशन आएगा उसको थोड़ा आप लोग को याद करना है। तो अर्जुन भी देखिए, दो भिन्न प्रकार के लोग एक ही चीज को किस प्रकार से देख रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक तरफ दुर्योधन है जिसको वो एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी है, वो उन्हीं रिलेटिव्स को देख रहा है, उन्हीं भाई भ्राता बंधु सखा सबको देख रहा है, लेकिन उनको इस प्रकार से देख रहा है कि मैं उनको किस प्रकार से यूज कर सकूं। तो कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, शायद हमारे ऑफिस में, शायद कलीग्स में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं जो दूसरों को यूज करना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंड, राइट काइंड ऑफ मेंटालिटी। लेकिन इस तरफ अर्जुन है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं इस युद्ध में कौन कौन लोग मरने वाले हैं। तो इस प्रकार के इतने सारे रिलेटिव्स के बारे में वो बखान करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बिविल्डरमेंट होता है अर्जुन का, अर्जुन जैसा महाभागवत भक्त, उसके हृदय में ये सारे बिविल्डरमेंट, इसके इस प्रकार का मोह कैसे आ सकता है? वो इसीलिए आया क्योंकि कृष्ण चाहते थे ऐसा सेटअप तैयार करना, और ताकि इस अर्जुन के द्वारा वो हमें शिक्षा दे सके, वो हमें शिक्षा दे सके। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था। जिस प्रकार से एक एक माता क्या करती है, अपनी अगर बहू को कुछ सिखाना चाहती है, तो जनरली सब माताओं के लिए यहाँ पर एक अच्छा लेसन है कि कभी कभी अपनी बहू को लेसन देना है, लेकिन बहू तो दूसरे पराए घर से आई है, और उसको अगर डायरेक्टली फीडबैक देंगे तो शी मे नॉट लाइक इट। तो तरीका क्या है, अगर माँ सिखाना चाहती है कि तुम उस अपनी बहुरानी को सिखाना है, तो सिखाने का क्या तरीका है, अपनी बेटी को फटकारो। अरे तुम्हें ये, भले ही बेटी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तुम सब्जी भी अच्छे से बनाना नहीं आता, तुम्हें ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, या फिर प्यार से बेटी को बोलेगी, अच्छा तुमने ये गड़बड़ किया, इसको सही सुधार लेना। तो जब बहू सुनती है, लाइक डॉटर इन लॉ, देन शी अंडरस्टैंड्स, अरे ये तो मिस्टेक मैंने किया था, तो नाउ आई शुड लर्न इट। तो दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग। तो ये एक उदाहरण है, यहाँ पर अर्जुन भगवान के इतने प्रिय व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उनको बिल्डर इसलिए किया ताकि पूरे जगत के लोगों को सिखा सके। अर्जुन कभी भी किसी प्रकार के मोह में नहीं आ सकते, वो तो नर नारायण ऋषियों में से दो पार्ट काउंटर पार्ट है। तो लेकिन यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि कृष्ण हम जैसे लोगों को सिखाना चाहते थे अर्जुन को सामने रखकर। तो ये यहाँ पर इसका उद्देश्य था। सेकेंड, अभी हमारा जो सेक्शन शुरू होने वाला है, व्हाट इज दैट, अर्जुन ये अर्जुन विषाद योग। तो ये तीन चीजें हमने अभी यहाँ पर देखी, तीन लोगों ने सैन्य निरीक्षण किया। तो अर्जुन का बिविल्डरमेंट, तो अर्जुन का बिविल्डरमेंट क्यों होता है, अर्जुन विषाद योग इस सेक्शन का नाम है, क्योंकि उनको वही रिलेटिव्स दूसरे तरह के बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने लगे, कंपैशन। तो यहाँ पर पांच कारण है जिसके द्वारा, और इन्हीं पांच कारणों को आज अगर ये चीज आपको याद रहते हैं, सेकंड चैप्टर आपके फिंगर टिप्स में रहेगा। पांच कारण को ही भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से डिफीट किया है, आर्ग्यूमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट किया है। तो इनडिसीजन, ऑफकोर्स इनडिसीजन इज समथिंग कि पूरा भगवदगीता भगवान श्री कृष्ण ने बोला। तो इनमें से चार, करुणा का अभाव, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, पाप का भय, या हमारे जो कुल की प्रथा है वो विनष्ट हो जाएगी, ये चार कारणों को भगवान श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर में लेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि अर्जुन भी देख रहा था, दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन हमारी आंखें ही हमें कभी कभार धोखे में डालती है, आंखें ही हमें मोह में माया में डालती है, आंखें ही हमारी चार होती है, आंखें ही हमें बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो आंखें ही हमें फूल अगर बनाती है, कौन बनाते हैं, हमारी ये आंखें। तो आंखें, दिस आईज आर द वेज टू इल्यूशन, बट व्हाट इज द वे आउट ऑफ इल्यूशन, हमारे कान, कान हमें मोह से बाहर निकालते हैं। इफ वी टेक शेल्टर ऑफ सीनियर्स, इफ वी टेक शेल्टर ऑफ सुपीरियर्स, ऑटोमेटिकली बाय लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, बाय लर्निंग फ्रॉम देयर इंस्ट्रक्शंस, हम सारे प्रकार के मोह माया से बाहर आ सकते हैं। तो सबके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे साधु हो या संत हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो, लेकिन किसी ना किसी के शेल्टर लेना बहुत जरूरी है, और हर एक के जीवन में कोई एक शेल्टर देने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए। अगर शेल्टर देने वाला व्यक्ति नहीं है, देन हमें खालीपन लगता है, वी बिकम टोटली कंफ्यूज्ड। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोई ना कोई भक्त हो या कोई ना कोई सीनियर हो, जिसे स्पेशली कोई डिवोटी हो, दैट इज गुड, देन ही कैन गिव अस द राइट थिंग इन राइट टाइम, एंड वी नीड, लाइक हमारे लिए भी, हमारे भी आश्रम में बहुत सारे डिवोटीज हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते वी अप्रोच देम कि प्रभु जी अभी क्या करना है, व्हाट शुड आई डू, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड नाउ, एंड बाय लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस वी गेट अ क्लियर आइडिया। तो दिस इज वाई हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और श्रवण तब हम कर पाते हैं जब हम लोग नम्र होते हैं, जब हमारे अंदर में अहंकार की भावना होती है तब हम सुन नहीं सकते, हमारे कान, वी आर नॉट, आवर इयर्स आर नॉट ओपन, बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस किस पे रहता है, अरे मैं तो कर लूंगा,
मेरी मेरा स्किल्स है, मेरा कैपेबिलिटी है, मैंने इससे पहले इतनी सारी चीजें सॉल्व की हैं, आगे भी मैं सॉल्व करूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, या फिर किसी कोई हेल्प दे भी तो हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन भगवत गीता हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार से अर्जुन जैसा व्यक्ति, अगर वो ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास दिव्य अस्त्र है, सब तरह से क्वालिफाइड है, मटेरियली ही इज फुल्ली इक्विप्ड विद एवरीथिंग, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी कंफ्यूज्ड होता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। और कंफ्यूजन के टाइम में किसकी शेल्टर लेनी है, भगवान की या भगवान के प्रतिनिधियों की, ये हमारे लिए सुनना, ये हमारे लिए यहाँ पर लेसन है। तो फर्स्ट रीजन करुणा, तो शरीर के प्रति करुणा, क्योंकि अर्जुन का ये भाव आया कि शरीर के प्रति करुणा, यही आर्गुमेंट भगवान श्री कृष्ण जब आत्मा का ज्ञान देंगे वहां पर डिफीट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। तो ये पश्य शब्द देखिए, अर्जुन कितनी बार पश्य शब्द यूज करता है, निरीक्ष अवेक्ष अहम पश्येतान तत्र पश्य समीक्ष न पश्यामी, इतनी बार आंखों के ऊपर भरोसा, हाय भगवान, है ना। कोई अगर प्यार में ही पड़ता है, ऑफकोर्स ये प्यार ही हमें कई बार पागल बना देता है, तो प्यार कहां से, हमें बिविल्डर कहां से होते हैं हम लोग, हमारी आंखों से। तो किसी को अनफॉर्चुनेटली इन दिस वर्ल्ड वी जज पीपल बाय आवर आईज, तो आंखों से हम लोग बहुत बार लोगों को जज नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है कि हम जिसको सोचते हैं कि ये इतना सुंदर व्यक्ति है तो हृदय से भी सुंदर होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे रावण वॉज मोर सो ब्यूटिफुल, रावण वॉज फुली क्वालिफाइड, ही हैड ऑल क्वालिटीज, गुड, वेरी नाइस क्वालिटीज, बट हृदय में क्या भरा हुआ था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, साथ ही साथ इस संसार में स्वामी बनने, ईश्वर बनने की भावना। तो देखने में कोई हैंडसम है, लेकिन अंदर से भी जरूरी नहीं हो कि ही विल बी हैंडसम। तो ये यहाँ पर हमें समझना है, आंखें तो हमें माया में फट डालेंगे ही, लेकिन कान हमारे सॉलिड होने चाहिए। अगर हमारा रेगुलरली हियरिंग रीडिंग चैंटिंग श्रवण कीर्तन और जप सही प्रकार से चलता है, तब जीवन में कभी भी बिल्डरमेंट नहीं आता है। जैसे हमारा डावाडोल होता है, या तो जब डावाडोल हो रहा है, या फिर श्रवण कीर्तन क्लासेस ठीक से नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे खुद की साधना है वो सही प्रकार से नहीं चल रही, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तब जाके हमारे दिमाग में, जब हमारा ये जो प्रोटेक्शन, ये एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ये हमें एंटीवायरस प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे वायरस से, इस संसार में वायरस क्या है, ये सारी भावनाएं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये छह रिपु, ये छह शत्रु हैं, इनसे हमें प्रोटेक्शन किनसे मिलता है, कैसे, किनसे, थ्रू रेगुलर हियरिंग एंड रीडिंग एंड चैंटिंग। जैसे ही कोई भी चीज डाउन होगा, साथ ही साथ जप की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, आपका श्रवण करने की इच्छा भी कम हो जाएगी, और लगेगा कि भाई क्यों क्लास अटेंड करना, या क्यों श्रवण करना, या क्यों गुरु महाराज से सुनना, या क्यों प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, ये सारी चीजें मन में आती, क्यों ग्रंथ पढ़ना, क्या फायदा करके, इच्छा ही चली जाती है। तब हमारे लगेगा कि न्यूज पढ़ता हूँ, न्यूज सुनता हूँ, न्यूज पेपर देखता हूँ, या फिर मूवीज में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जो हमारा जिस इंटरेस्ट से हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं एक समय, सारे के सारे इंटरेस्ट लूज हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी साधना ठीक प्रकार से नहीं चल रही, और उसी समय वी आर एट द मोस्ट वल्नरेबल पोजिशन। तो अर्जुन के समय, अर्जुन के लिए भी ऐसा एक सिचुएशन अराइज हुआ, क्यों, ही वाज टू मच रिलाइंग ऑन हिज सेंसेस, इंद्रियों पे ज्यादा रिलाई कर रहे थे, ना कि इंद्रियों को जानने वाले के पर रिलाई कर रहे थे। तो आईज कांट सी द हायर रियलिटीज लाइक सोल और कृष्ण, भगवान या कृष्ण या आत्मा कभी दिखते नहीं आंखों को, तो इसीलिए संसार में हम भौतिक रियलिटीज में फंस जाते हैं, क्योंकि हम आंखों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और जो कि टेम्पररी है। लेकिन इस संसार में अगर जानना है कुछ सच में, तो हमें किसी ना किसी सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट, अदरवाइज वी विल बी टोटली इनटू इल्यूजन, टोटली इनटू इल्यूजन। तो यहां पर हमारे लिए लेसन क्या था, लेसन यही था कि वी नीड टू टेक शेल्टर, राइट, वी नीड टू टेक शेल्टर एंड बी प्रेयरफुल। अर्जुन ने अपने, भले ही वॉज टोटली स्किल्ड, ही वॉज टोटली क्वालिफाइड, बट क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो नम्रता का रोल लिया उन्होंने, कि मैं भले ही, हो सकता है मैं MBBS हूँ, या फिर मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, मैं PhD होल्डर हूँ, ये सारी चीजें आपके जीवन में सॉल्यूशन लाने वाली है क्या? जब हम सच में कंफ्यूजन सिचुएशन में पड़ते हैं, इट नोवेयर हेल्प्स। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने कॉलेज के एक ICU में, एक सिचुएशन में, कि एक लाइक हस्बैंड वाइफ, दे बोथ केम, वाइफ केम टू CCU एंड समहाउ शी हैड टेकन टू मेनी एंटी डिप्रेसेंट्स, and she was almost like 28 years, 28 साल की कोई डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, but she did suicide by because of marital problems. And later on, after my posting was over, 7 दिन बाद आके सुनता हूँ, she left her body. तो भले ही हम लोग हो सकते हैं बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सो मेनी थिंग, वेल क्वालिफाइड, मटेरियली इंटेलिजेंट हमारी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअली भी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी वो जरूरी नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें हमारे डिग्री ओहदे हमारे अहंकार को ऊपर करते हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी से नम्रता पूर्वक
शेल्टर लेना, वो कोई भी व्यक्ति हो, वी शुड टेक गाइडेंस, राइट। तो हर व्यक्ति के लिए गाइडेंस लेने वाला हो सकता है, हर हमारा फ्रीक्वेंसी किसी और ब्रह्म भक्त से या किसी और व्यक्ति से मैच करता है, बेटर, बट एटलीस्ट टेक सम गाइडेंस फ्रॉम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ऑफ अ डिवोट, ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो ये बहुत जरूरी है, नम्रता बहुत जरूरी है जीवन में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं। विनम्र जब तक नहीं रहेंगे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। तो लेट्स गो अहेड। तो पहला रीजन अर्जुन का था करुणा का भाव, तो उन्हें समझ में आया। तो जब भी करुणा आती है किस प्रकार के सिम्टम्स लेकर आती है, टोटली शॉक लाइक सिम्टम्स, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह जिह्वा सूख रहा है, मेरे बॉडी ट्रम्बल कर रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव तक स्लिप हो रहा है। सोचिए, गांडीव कभी उनके हाथ से स्लिप नहीं किया किसी भी युद्ध में, चाहे वो निवात कवच जैसे बड़े बड़े राक्षसों के साथ, जो कि इंद्र भी डरते थे ऐसे ऐसे राक्षसों से युद्ध करना, उनके साथ में भी उनके कभी गांडीव कभी नहीं ये हुई। लेकिन यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा एक्सटर्नल एनिमीज से इंटरनल एनिमीज आर मोर डिफिकल्ट टू कॉन्कर। वी मे बी वेरी मच वेल क्वालिफाइड टू विन द विक्ट्री, विन द वॉर ऑफ लाइक सो मेनी एग्जाम्स। हमारे जीवन में इतने सारे एग्जाम्स आते हैं, दो मिनट में सीख जाते हैं सब, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जीवन के जब सच में प्रॉब्लम्स आते हैं तब हमारे इस तरह के सिचुएशन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है। तो वहां पर बहुत सारे अर्जुन स्वयं लॉजिक देने लगते हैं और अपने ही लॉजिक से वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अरे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, चांदोग्य उपनिषद महाभारत स्वयं जगह लिखा हुआ है कि मा हिंसयात सर्वभूतानि अहिंसाम सर्वभूतानि। लेकिन जब वो खुद लॉजिक दे रहे हैं, वो खुद अपने ही लॉजिक से संतुष्ट नहीं हो रहे थे, उनका कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ मुझे युद्ध नहीं लड़ने का, मेरा हृदय सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो पहला लॉजिक इन्होंने ये दिया। तो हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि दुर्योधन कौन से प्लेटफॉर्म पे, अर्धन पे है, तो अधर्म तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन अर्जुन का जो लॉजिक था वो कौन से प्लेटफॉर्म पे था, अपराधर्म। देयर आर सो मेनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरालिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि चलो कभी कभार किसी का एक ही सिचुएशन में धर्म के बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, कभी अपराधर्म कभी पराधर्म। तो पराधर्म क्या है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे का लेवल क्या है, चलो झूठ ना बोलना, सच ना बोलना। अरे कभी कभार अगर अच्छे के लिए, किसी के जीवन बचाने के लिए अगर सच झूठ भी बोलना पड़े तब भी वो वाजिब है। हमने एक एनीवेज फोर्थ चैप्टर में जब आएगा हम एक बहुत अच्छी कहानी बताएंगे, एक गायक को गाय की एक रक्षक एक ऋषि है जिनके साथ एक इसी प्रकार की घटना घटती है, क्योंकि उन्होंने सच बोला लेकिन सच के कारण उन्हें उसका दंड भी भोगना पड़ा। तो सोचिए, समझना बहुत मुश्किल है कि हमारे लिए कभी कभार ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कौन हमें हेल्प करेगा। इसीलिए वी शुड बी टोटली ट्यून्ड इनटू आवर साधना शुड बी परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक हायरार्की दी थी, अधर्म अपराधर्म एंड पराधर्म। पराधर्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर कोई कार्य करता है, दैट इज द बेस्ट, सर्वधर्मान परित्याज्य, ये हमारे लिए ये। और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर ये बता रहे थे, भले ही तुम यहाँ पर हिंसा करने वाले हो लेकिन ये धर्म युद्ध है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अदर्स लाइफ पीसफुल। ऐसे लोग अगर राजा बनेंगे तो सबके जीवन में वो कलह लेके आने वाले। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी ये सब बताई। तो इंटरनल एनिमी इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल एनिमी, ये हमने पहले ही बताया था, ये बताया अभी चर्चा की। नेक्स्ट, दूसरा जो कारण है भोग की इच्छा से, क्योंकि अगर कोई जिंदा ही नहीं रहेगा इस यहां पर तो हाउ आई विल एंजॉय, इस राज्य लेकर क्या फायदा होगा मुझे। तो ये सेकंड जो कारण था उनका कि इफ नोबडी सर्वाइविंग, मैं अपना किंगडम शेयर किसके साथ करूंगा, दिस वाज हिज सेकंड रीजन, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तो ये भी एक लॉजिक देते हैं कि अरे भाई इनको जिंदा छोड़ देना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण दिया था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट किस तरह से कारण होता है, जैसे एक बच्चा कभी अगर मेडल जीत कर लाए, ट्रॉफी जीत कर लाए, तब क्या होता है, ही बिकम्स हैप्पी नॉट बाय विनिंग बट बाय शोइंग इट टू अदर्स कि भाई मैंने ये चीज किया। कभी कभार हम लोग शादी, मान लीजिए किसी ने गहने खरीदे या नई साड़ी ली है, लेकिन अगर हम लोग किसी के शादी में पार्टी में ही नहीं गए और हमने वो किसी को शो ही नहीं किया, तो व्हाट इज देयर। अब मैं अपने घर पे लॉकर के अंदर में अगर मैं उसको रखता हूँ या रखती हूँ तो उससे क्या फायदा होगा। अनटिल अनलेस वी हैव टोटली फ्लॉन्टेड, है ना, बोलते ना हम लोग दूसरे को दिखाया नहीं तो क्या, देयर इज नो एंजॉयमेंट। उसी तरह से बच्चा भी अपने पेरेंट्स को जब शो करता है, पापा पापा मम्मी आई हैव बिकम फर्स्ट इन माई क्लास, देन देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट।
यही कारण था अर्जुन का कि मैं अगर इस युद्ध में कोई बचेगा ही नहीं तो मैं ऐसा राज्य लेकर क्या करूंगा, बेटर टू डाई इन दिस काइंड ऑफ बैटल। तो ये उन्होंने सेकंड रीजन दिया। तीसरा कारण क्या था, पापों का भय। तो पापों का भय यहाँ पर, भले ही यहाँ पर धर्मशास्त्र में हमने आपको कितने लोगों को याद आ रहा है धर्मशास्त्र के बारे में बताया था, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र कहता है हिंसा मत करो। यस थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर हैंड। धर्मशास्त्र कहता है हिंसा मत करो, लेकिन अर्थशास्त्र विच इज अ लोअर शास्त्र, वो भी एक शास्त्र है, वो क्या करता है कि इस प्रकार के छह प्रकार के आतताइयों को मारना में कोई बुराई नहीं है। और इनफैक्ट ये छह के छह उन्होंने किए थे, कोई यहाँ शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि अगर कोई एक भी करता है, कोई विष देता है, किसी का घर को जलाता है, या फिर अस्त्र लेकर मारने की कोशिश करता है, धन संपत्ति छीन ले, राज्य छीन ले, या फिर उसकी पत्नी को किडनैप करे, इन छह में से कोई एक कार्य भी करे तो उसका गला काट देना चाहिए। लेकिन ये सब अर्थशास्त्र में, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अर्थशास्त्र ये कर रहा है, धर्मशास्त्र ये कर रहा है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर भी देयर इज अ टसल हैपनिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ धर्म, राइट। तो यहाँ पर हमने बताया था कि देयर इज नो फॉल्ट इन किलिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, और इनफैक्ट ये छह के छह चीजें इन्होंने की थी, उनका साम्राज्य छीन लेना या अपनी पत्नी को पत्नी का हरण करना। तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन आया, तो इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि ये सारे रीजन वो खुद से ही दे रहे हैं और खुद से काउंटर भी कर रहे हैं, और ही इज कमिंग टू नो कंक्लूजन, तो इसीलिए वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर हमने वही देखने की कोशिश की, देयर इज अ लोअर धर्मा, देयर इज अ हायर धर्मा एंड अ हाईएस्ट धर्मा। हाईएस्ट धर्मा इज टू वर्क अंडर कृष्णास इंस्ट्रक्शन ऑन द लेवल ऑफ सोल, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कार्य करता है भगवान की संतुष्टि के लिए, भले ही उसमें हिंसा इन्वॉल्व है, बट उसके ऊपर कभी भी कर्मों का फल उसके उसके ऊपर नहीं आने वाला। वी विल बी जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णास हैंड। जिस प्रकार से एक कलम होती है, तो कलम किसके अंडर में कार्य करती है, जो लिखने वाला होता है उसके अंडर में कार्य करते हैं, है ना। उसी प्रकार से वी शुड बी इंस्ट्रूमेंट अंडर द लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस, लॉर्ड्स डिवोटीज इंस्ट्रक्शन। पेन का कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, या फिर कभी ये नहीं रहता कि पेन ने कुछ अगर लिखा, वो ये नहीं कहता कि मैंने लिखा है। अरे क्रेडिट तो लिखने वाले पे जाता है, पेन तो इट्स एक क्या है, एक इट्स जस्ट एन जस्ट अ टूल। उसी प्रकार से वी शुड बी ऑल्सो निमित्त मात्र ना भव सव्य साचिन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे, इस युद्ध में मैं तुम्हें एक टूल की तरह यूज कर रहा हूँ, निमित्त मात्र की तरह यूज कर रहा हूँ, जिस प्रकार से एक पेन को कोई व्यक्ति यूज करता है, मैं तुम्हारे द्वारा ये सारा कार्य करवाना चाहता हूँ, बट तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्मों का फल नहीं आने वाला। एवरीथिंग आई विल टेक केयर। ये उनका उद्देश्य था। तो तीसरा रीजन भी हमने यहाँ पर चर्चा की। चौथा रीजन इज डिस्ट्रॉइंग ऑफ डायनेस्टी। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से अगर कुल का नाश होता है, क्योंकि इतने लोग मारे जाने वाले हैं, पूरे विश्व से सब प्रकार के राजा लोग आए थे, गांधार से लेके हर प्रकार, इंडोनेशिया, अमेरिका, हर प्रकार से, हर देश से ही लोग आए थे, एक जगह से लोग नहीं आए थे उस युद्ध में। तो सब अपनी सेना के साथ यहाँ पर आए हैं, और सबके दे आर ऑल रूलर्स ऑफ देयर ओन किंगडम। 5000 साल पहले पूरा छत्रपति राजा कौन होते थे, जो इंद्रप्रस्थ में राजा बनते थे या हस्तिनापुर में राजा बनते थे, वो छत्रपति एक राजा सम्राट होते थे, उनके अंडर में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो ऐसे लोगों की अगर डायनेस्टी अगर नहीं रहेगी, वो लोग घर लौट के जाने वाले नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पत्नियां अकेली हो जाएंगी, और साथ ही साथ बच्चे भी नहीं है, नो संतान, क्योंकि उनकी संतानें भी यहाँ पर आए हैं युद्ध करने के लिए। तो कुल धर्म कौन देने वाला होगा, पिंडदान कौन करेगा। यहाँ पर हमने पिंडदान का बहुत डिटेल में, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, अगस्त सितंबर के महीने में वी वर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, और उस समय दुर्गा पूजा के समय पितृपक्ष वाला, ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो कमिंग। तो हमने उस समय ये सारी चीजें बताई थी कि पितृपक्ष का क्या इंपॉर्टेंस है, और पितरों के लिए भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पिंडदान कौन करेगा, और हमारे लिए भी अपने जीवन में पिंडदान का क्या महत्व है। इट इज वेरी वाइटल फॉर एवरीवन। अगर हम भक्त बन जाते हैं, भले ही हम भगवान के शरण में आ गए हैं, हमारे लिए कोई भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हर गृहस्थ भक्त को, ब्रह्मचारीज आर एक्सक्लूडेड, बट हर गृहस्थ भक्त को ये कार्य जरूर करना चाहिए, अपने पितरों के लिए तर्पण करना, उनको लिए जल प्रदान करना। और इवन वी ऑल्सो, वेन ब्रह्मचारी ऑल्सो गो टू सम रिवर, होली रिवर, वी ऑल्सो डू तर्पण फॉर आवर एंसेस्टर्स या ये। लेकिन ये पिंडदान, ये सारी पद्धति गृहस्थ लोग कर सकते हैं, तो सबको करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, पितृदोष लगता है, हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती है विच आर नॉट
लाइक बिकॉज पितरीज आर इन डिस्ट्रेस सिचुएशन, तो वो क्या करते हैं, किसी प्रकार से इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं, डू समथिंग फॉर अस. तो इसलिए हमने इंदिरा एकादशी के बारे में बताया था कि हाउ दिस इज दिस एकादशी इज सो पावरफुल, कि अगर एकादशी करते हैं तो वी गिव क्रेडिट टू, इफ यू गिव क्रेडिट टू देम दे ऑल्सो गेट लिबरेटेड. और तो और साथ ही साथ पितृ ये तो करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, अधर्म बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि स्त्रियां अकेली हो जाएंगी, और स्त्रियां जब भी किसी समाज में अकेली बन जाएं, अकेली हो जाएं, जिनको रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, देन देयर इज हाई चांसेस दैट दे मे गेट पॉल्यूटेड बाय अदर मेन विच आर नॉट सो हाई क्लास. और इस प्रकार से जब पॉल्यूशन होता है, इस प्रकार से मतलब स्त्रियों का स्त्री धर्म अगर प्रदूषित कोई करता है, सतीत्व का जो धर्म है, हमने यहाँ पर दो चीजें डिस्कस की थी अगर आपको याद आएगा, कि पुरुषों के लिए क्या धर्म है और स्त्रियों के लिए क्या धर्म है. स्त्रियों के लिए अनफॉर्चुनेटली ना तो कलयुग में ना पुरुष ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, ना तो स्त्रियां ये फॉलो कर रही है. देयर इज वेरी, क्योंकि हमें ये एडुकेशन ही नहीं मिल रही. पुरुषों के लिए धर्म ये है कि हमारा ब्रह्मचर्य हमारा पालन करना, वी शुड नॉट बी लाइक ऊर्ध्व रेतस, आवर सीमन लाइक दिस वीर्य जो होता है, दिस इज द एसेंस ऑफ वंस पर्सन वंस नेचर, दैट शुड बी ऊर्ध्वगामी नॉट नीचेगामी, है ना. तो बेसिकली हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि दे शुड ट्राई टू रिटेन दिस वाइटल एनर्जी, एंड दिस इंक्रीजेस वंस मेमोरी पावर इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पोटेंसी बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत में जो विवेचना शक्ति है ये देता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इस प्रकार से चल रही है, जिस प्रकार से बॉम्बार्डमेंट है मास मीडिया का, सो मेनी रॉन्ग वेबसाइट्स, तो लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि दिस इज गुड, लूजिंग योर वाइटल एनर्जी इज गुड फॉर योर लाइफ. अगर ये नहीं करेंगे तो जीना का उद्देश्य क्या है, तो यू शुड डू इट एट रेगुलर हैबिट्स. दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स, एंड इवन मेडिकल प्रोफेशनल पीपल समटाइम्स मे से कि वन शुड दिस इज क्वाइट हेल्दी लूजिंग वन सीमेन. नो सर, एक्चुअली स्पीकिंग शास्त्रों में यही बताया गया है, वन शुड ट्राई टू रिटेन दिस एनर्जी, बिकॉज सातों धातु जो शरीर में बनते हैं, एलोपैथी में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और आयुर्वेदिक पॉइंट में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. तो आई एम टेकिंग फ्रॉम द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो अंतिम जो कोशिका बनती है जब हम खाना ग्रहण करते हैं तो रक्त बनता है, या फिर देर आर मेनी थिंग, है ना, मज्जा, है ना, सो मेनी थिंग, बोन मैरो, फ्लैश, फैट, लास्ट जो टिश्यू बनती है दैट बिकम सीमेन. एंड नॉट ओनली इन मैन, इवन इन वुमेन, तो वहां पर आता है रेत. स्त्रियों में यही चीज है, रेत. दैट मीन्स बाय देयर चेस्टिटी ऑल्सो दे बिकम ऊर्ध्वगामी. और उसी प्रकार से यहाँ पर आता है फॉर पुरुषस, दिस इज देयर सीमेन पावर, वीर्य. दोनों में ही ये सेम चीजें हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट टिश्यू इन मेन एंड वुमेन, बोथ बोथ शुड ट्राई टू रिटेन इट. और इसके रिटेन करने से हमें वी गेट डिवाइन पोटेंसी, राइट. भीष्म पितामह जिस प्रकार के लोग थे, या फिर गांधारी भी, उनके सतीत्व का इतना पोटेंसी था, बिकॉज शी वॉज चेस्ट टू वन हस्बैंड, दैट्स वाई शी वॉज डेडिकेटेड, उसकी वजह से उनके हृदय, उनके पास इतनी शक्ति थी. अनफॉर्चुनेटली आज स्त्रियां और पुरुष, है ना, ऐसा हो गया कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो, इस प्रकार की कल्चर आज बन गया है. वी आर नॉट नाइदर डेडिकेटेड नॉर वी आर लाइक आवर हर्ट्स आर सो इम्प्योर. जिस प्रकार की सिनेमाज दिखाए जाते हैं, जिस प्रकार के मूवीज बनाए जाते हैं, इट सीम्स कि चलो दिस इज क्वाइट नेचुरल. तो क्या हम किसी के प्रति हम लोग डेडिकेटेड रहेंगे या ये करेंगे? तो हर व्यक्ति के लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है. दिस इज लैकिंग इन आवर सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर यूथ्स इज हैपनिंग नाउअडेज. क्यों? बिकॉज ऑफ आवर मूवीज, बिकॉज ऑफ द रोल मॉडल्स वी आर सीइंग इन आवर सोसाइटी, उनको देखा देखी हम लोग भी वही करते हैं. एंड ऑफकोर्स को एडुकेशन इज देयर, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पर यही बताया कि वुमेन बिकम पॉल्यूटेड, और उसके बाद जो जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी वर्ण संकर. वर्ण संकर मतलब मिक्सचर ऑफ कास्ट. तो कोई भी किसका कास्ट क्या है वो समझना ही मुश्किल हो जाएगा, कौन किस वर्ण से है, कौन किस जाति से है. देयर विल बी नो प्योर ब्राह्मणस, नो प्योर क्षत्रियस, नो प्योर वैश्यस, नो प्योर शूद्रस, पूरा मिक्सचर, खिचड़ी बन जाएगा. ऑफकोर्स ये चीज नहीं होने वाला था, क्योंकि युधिष्ठिर जैसे राजा बनेंगे वो स्त्रियों का प्रोटेक्शन देंगे जरूर, भले ही ये होगा, बट स्त्री विमेन विल बी प्रोटेक्टेड बिकॉज युधिष्ठिर वाज अ राइटियस किंग. लेकिन अर्जुन को यह संदेह लग रहा था, और ये सारी चीजें 5000 साल पहले की जो प्रोडक्ट की गई है वो आज के समाज में ये सारी प्रॉब्लम्स, आज के समाज में ये सारी चीजें, जो भी समाज में इतने सारे टेररिज्म हो रहे हैं, या फिर इतने सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, क्राइम हो रहा है, सो मेनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी द प्रोजेनी इज अ मिक्सचर ऑफ कास्ट. कौन किसका वर्ण क्या है, क्या है, देयर इज नो प्योरिटी इन आवर लाइफ. पीपल आर थिंकिंग दैट वुमेन और लाइक women are so unsafe in our society. एक मैं उदाहरण देता हूँ. Why the problem is not because
because the problem is, first of all, men are not sufficiently given culture of brahmacharya. आज कौन सोसाइटी में कौन ऐसा एडुकेशन दे रहा है? और अगर एक चीज अगर आप सोसाइटी में बंद कर देंगे, पहला तो ये द ऑब्सीन वेबसाइट्स, भारत में जितने भी ऑब्सीन वेबसाइट्स हैं, जितने भी सारे चीजें हैं, उसको अगर बंद कर दिया जाए, हार्डली पीपल विल बी गेटिंग, इतने इतने जानवरों की हद तक कोई नहीं जाने वाला, राइट? ऑफ कोर्स देयर आर, देयर मे बी सम असुरस हु हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, बट वॉलंटियरली हु आर गुड पीपल आर गेटिंग इनटू रॉन्ग हैबिट्स, दैट काइंड ऑफ थिंग विल नॉट हैपन. एक मैं उदाहरण दूंगा कैसे. देखिए, दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इट्स प्रीवियस, आई थिंक 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2015 में हमने ये बताया ना कि चार प्रकार के क्या है, पाप के पिलर है. देर आर फोर पिलर्स ऑफ इर रिलीजन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन. तो इस गवर्नमेंट ने कोशिश की किसी प्रकार से गौ हत्या को बंद करने का. मैं फेवर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, somehow they are trying to establish at least जो grossly sinful activities है उसको बंद करना. Killing cows is very much sinful, but of course, बहुत सारे states ने बहुत opposition किया. They started showing बहुत बुरी तरह से उन्होंने opposition करने की कोशिश किया, और इन्होंने भी कोशिश की कि हम लोग इस law को हम लोग कोशिश करें हर states में improvise करने की. दूसरा जो कार्य था, जो इसी धर्मों के चार पिलर से रिलेटेड था, तो 2015 में ऑलमोस्ट इन अगस्त मंथ, आप सबको शायद पता होगा कि दे ट्राइड टू ब्लॉक ऑल पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स इन इंडिया. सब तरह से पूरा कुछ नहीं रहेगा, फुल्ली क्लीन. एक दिन दो दिन के अंदर, वी कैन नॉट इमेजिन, विद इन टू डेज के अंदर पूरे भारत में इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला होने लगा. हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस अस ऑन आवर चॉइसेस, है ना, किस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हो. अगर ये एक चीज अगर पूरे भारत से बंद हो जाए, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस काइंड ऑफ वेबसाइट. हमारे ऑलरेडी इतने खराब इंप्रेशंस हैं, हमारे काम क्रोध लोभों के इंप्रेशंस हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें हैं. तो जानवर की हद तक कोई अगर जा सकता, कोई भी व्यक्ति, सेन पर्सन मे गो टू लिमिट वेरी बैड एक्सटेंट. दो दिन के बाद भारत की सरकार को पूरी के पूरे वेबसाइट से बैन को उठाना पड़ा. दिस काइंड ऑफ ऑपोजिशन हैपेंड इन इंडिया. तो वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन लोग ये ऐसे हैं कि आप द टाइप ऑफ मीडिया जिस प्रकार से डिपिक्ट किया जाता है हमारे इस न्यू हमारे मूवीज में, सिनेमा स्टार्स में, वी स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसा जीवन तो मेरे साथ भी होना चाहिए. वी ट्राई टू टेक दिस काइंड ऑफ रोल मॉडल इन आवर लाइफ एंड वी डिस्ट्रॉय आवर लाइफ ऑल्सो, रादर देन शोइंग द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर सोसाइटी एज देयर हीरोज, लाइक अर्जुन, कृष्ण, ये सारे हीरोज को ना बनाकर आजकल के लो कैरेक्टर वाले लोगों को हीरो हम बनाते हैं, और उनके जीवन को देख के क्या मिलेगा हमें, यही सारी चीजें मिलेंगी. तो ये चीज भारत में भी हुई. तो इसी में एक एग्जांपल देता हूँ, इस काउ किलिंग के चक्कर, दिस काइंड ऑफ थिंग हैड ऑलरेडी हैपेंड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, 1960s की बात कर रहे हैं, 1960s, मोरारजी देसाई जी 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे. तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, ही मेड अ लॉ दैट काउस किलिंग शुड बी स्टॉप्ड इन इंडिया. 10 दिन के अंदर उनकी पूरी की पूरी सरकार गिरा दी गई, बिकॉज दे डिडंट वांट कि दिस काइंड ऑफ लॉ शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया जस्ट फॉर सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म. तो देख सकते हैं हम लोग कि भारत में हम लोग कली को हटाने की भी कोशिश करें, कली किस प्रकार से आ रहा है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, इफ वी आर फॉलोइंग टोटली दिस फोर पिलर्स ऑफ रिलीजन ठीक तरह से, जितना भी एक्सटेंट तक हो सके, मेनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉन्ग एक्टिविटीज इन सोसाइटी कैन बी कर्ड. और अपने जीवन में भी हम ये कर सकते हैं, अपने जीवन में भी जितना भी पापों की वजह से, जिसकी वजह से हमें सफरिंग मिल रही है, उससे भी हम दूर जा सकते हैं. तो ये जो डाउट था, आज जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो आज ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. क्यों? क्योंकि दिस एंटायर साइकिल इज डिसरप्टेड. तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ फैमिली, ये आज का सोशल कॉज है. सोशल, दिस इज अ कंसर्न फॉर आवर सोसाइटी, और समहाउ थ्रू शास्त्रिक स्टडी वी आर ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल. देखिए क्यों, उन्होंने ये बताया था कि अल्टीमेटली क्या होगा, नरक जाना पड़ता है अगर कोई पिंड दान ना करे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे उसको तो खुद गिरना है, और साथ ही साथ अपने पितरों को भी, भले वो पितृलोक में है या स्वर्गलोक में, उनको भी नरक में जाके फेंक देगा. खुद तो डूब रहा है, अपने आगे पीछे जितने भी लोग आने वाले हैं सबको वो नरक लेके जा रहे हैं. पतंति पितरो, दिस इज द सेकंड, फोर फादर्स विल फॉल डाउन बिकॉज दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ पिंड एंड ऑफरिंग्स ऑफ फूड एंड वाटर. हर साल हर एक दिन के लिए पितृ पक्ष में हर व्यक्ति को पितरों के लिए, एक संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. ये नहीं होगा, देन देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स. एंड उत्साहयंति जाति धर्म कुल धर्म, तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर प्रोजेक्ट्स विल बी डिस्ट्रॉयड. हम कुछ भी प्रोडक्टिव थिंग्स नहीं कर पाएंगे समाज के लिए.
तो ये सारी चीजें बिकॉज अर्जुन वॉज अ विजनरी ही कुड सी बट समहाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. तो यहाँ पर चेस्ट वुमेन के बारे में बताएं. ऑफ कोर्स चेस्ट वुमेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड गुड मेन आर आल्सो इंपॉर्टेंट. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर चेस्ट वुमेन. तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की. तो यहाँ पर हमने तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बताई थी कि जिस प्रकार से देर आर लोअर रूल्स एंड हायर रूल्स. जैसे आपको अगर याद आ रहा होगा इस सेशन में हमने चर्चा की थी कि ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया था कि ट्रैफिक सिग्नल में नॉर्मल गाड़ी अगर कोई जाए तो उसको बंद होना पड़ता है. लेकिन वही ट्रैफिक सिग्नल एम्बुलेंस के लिए कभी भी या फिर इवन फायर फाइटर इंजन के लिए वो लाल सिग्नल कभी भी देर इज नो सिग्नल फॉर दिस व्हीकल्स. उसी प्रकार से कुछ रूल्स हैं शास्त्रों के जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप से काम करते हैं. तो अर्जुन भले ही ये सारे शास्त्रों के ही रूल्स बता रहा था लेकिन शास्त्रों के रूल्स उस समय ये काम नहीं आने वाले हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज एन इमरजेंसी पीरियड राइट. तो जैसे युद्ध के समय में युद्ध अगर चल रहा है गोलीबारी चल रही है उस समय आप नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते. देर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर इज इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. तो आप अगर कोई आर्मी की गाड़ी है उसको भी रोक दिया अरे आप रेड सिग्नल है ना आप कैसे जा सकते हो. नो सर बिकॉज ही इज डिप्लॉयड इन द ड्यूटी ऑफ कॉल ऑफ वॉर कॉल ऑफ ड्यूटी वी कैनॉट डिस्ट्रॉय स्टॉप दिस व्हीकल. उसी प्रकार से अर्जुन के जितने भी कारण थे दीज आर ऑल लोअर धर्म लोअर कारण बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देर आर इज हायर धर्म ऑल्सो. तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बताई थी. अर्जुन का रीजन क्या है कृष्ण का रीजन क्या था. तो बहुत लोग कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण इज अ वॉर मॉन्गर. नो सर कृष्ण इज नॉट अ वॉर मॉन्गर. ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द हाइएस्ट धर्म ऑन एवरीवन. हमारे जो जीवन में हाइएस्ट धर्म है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना वो अर्जुन को इसकी सीख के द्वारा सिखाना चाहते थे. तो अपराधर्म पराधर्म एंड ऑल. तो यहाँ पर हमने ये दिखा था और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि संस्कार कितना इम्पोर्टेंट है. 16 प्रकार के संस्कार इसके अलावा भी बहुत सारे संस्कार होते हैं. ये संस्कार हमें हमारी हमारी सटल बॉडी पे इंप्रेशन डालते हैं. तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी. गर्भाधान संस्कार पुंसवन संस्कार और अंतिम संस्कार इस श्राद्ध संस्कार एटलीस्ट विवाह संस्कार ये भी संस्कार हैं. लेकिन आजकल ये सारे संस्कार छूट चुके हैं. नो संस्कार इज हैपनिंग. इसीलिए हमारे हृदय में जो भी खराब इंप्रेशन है वो हट नहीं रहे. ये संस्कार क्या करते हैं हमारे सटल बॉडी से रॉन्ग इंप्रेशन को हटाते हैं. क्यों? क्योंकि हर बार संस्कारों में विष्णु के नाम के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण होता है कुछ तपस्या की जाती है. माता पिता एक अच्छे सोल को अपने गर्भ में लाने के लिए एक तपस्या करते हैं. लेकिन आजकल भिन्न प्रकार से ही माता पिता संग करते हैं तो कैसे किस प्रकार के जीव आएंगे. क्यों हमें सब अगर ऐसे जीव आएंगे क्योंकि गर्भाधान संस्कार ही नहीं हो रहा है तो पॉपुलेशन भी तो ऐसी ही बनेगी. आज समाज में प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं क्योंकि गर्भाधान संस्कार किसी का नहीं हुआ है. तो संस्कार ही नहीं हुआ है तो कौन से लोग आएंगे असुर प्रकार प्रकृति के लोग ही आने वाले और समाज में आके उत्पात मचाने वाले. और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ये सारे उत्पात तो और भी बढ़ने वाले. ये सारी चीजें और भी बढ़ेंगी. तो अर्जुन के ये सारे कारण थे और वो लास्ट में ये कहकर छोड़ देते हैं कि बेटर ऐसे सिचुएशन में मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा उससे तो अच्छा है कि उनके द्वारा मैं मारा जाऊं. तो ये अर्जुन की बड़प्पन था बिकॉज ही इज अ वैष्णव. दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग कि मैं वैष्णव हूं भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन दूसरे लोग नहीं मारे जाना चाहिए. तो ये अर्जुन के जीवन में ये सारी चीजें थी. तो हमने और भी बहुत सारी बताई थी कि अर्जुन ये सारे भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध जरूर करवाया. ये तीन कारणों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था. जस्टिस फॉर गेनिंग अ राइट किंगडम जस्टिस फॉर देयर ऑनर्ड वाइफ एंड जस्टिस फॉर सिटीजन्स. सबके लिए जस्टिस चाहिए था इसीलिए उन्होंने भले ही इसके लिए 13 साल भी वेट किए थे लेकिन उसके बाद भी उनके साथ अन्याय हो रहा है तो ये युद्ध निश्चित था. अगर कोई कहे जैसे महात्मा गांधी भगवदगीता लेके बोलते हैं अहिंसा. अरे वहां भगवदगीता में कहां हिंसा का ना तो हिंसा के बारे में है दिया हुआ ना अहिंसा के बारे में दिया हुआ है. भगवदगीता इज टेलिंग द नॉलेज ऑफ द सोल एंड हाउ टू गेट यूनाइटेड विद द सुपर सोल. तो बेसिकली ये युद्ध भी अगर कोई कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जब जरूरी होता है तब शस्त्र उठाना पड़ता है लेकिन शस्त्र उठाने के पहले शास्त्र पढ़ना जरूरी है. अगर शास्त्र हमारा कॉन्शियसनेस अगर समझ में नहीं आता है हमें समझ में नहीं आएगा कि कब शस्त्र उठाना है कब शस्त्र नहीं भी उठाना है. हमेशा तलवार लेके खड़े रहेंगे. इसलिए शास्त्र पढ़ना और शस्त्र दोनों चीजें बहुत जरूरी है. दैट्स वाई क्षत्रियस वर कॉल्ड राज ऋषिस. पहले राजा लोग थे लेकिन साथ में वो लोग ऋषि भी होते थे. क्यों? क्योंकि दे वर द सीयर्स ऑफ विजडम. उनका ट्रेनिंग होता था गुरुकुल में कि किस प्रकार से शास्त्र पढ़ के दे शुड बी द राइटफुल रूलर्स. तो ये हमारे
ये सारे कारण थे। तो ये हमने दिस इज द चैप्टर वन इन फुल डिटेल, तो यहाँ पर हम विराम देंगे आगे चल के। मैं तो ये आज हमने रिविजन किया चैप्टर वन का, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे वी विल बी रिवाइजिंग चैप्टर टू। लेकिन उसके पहले एक बहुत सुंदर चीज है जो मैंने पहले लास्ट जब हमारा नॉर्मल फ्लो में चैप्टर चल रहा था तब मैं ये चीज नहीं कर पाया। तो व्हाट इज दैट आई वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम गीता महात्म्य। अगर आप लोग देख पा रहे हैं शिव जी, लॉर्ड शिवा हैड टोल्ड समथिंग फ्रॉम दिस इज फ्रॉम पद्म पुराण। चिंता मत कीजिए कोई क्विज नहीं है, बट यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये एक अलग ग्रंथ है पद्म पुराण से। शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को गीता के हर एक अध्याय के ग्लोरिफिकेशन के बारे में गुणगान कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आज आप लोगों ने सबने पूरा भगवद गीता एट वन गो यू हैव हर्ड, तो आज आपको सुनना पड़ेगा आपको। ऑफकोर्स वी शुड ट्राई टू हियर कि ये जो भगवदगीता आप सबने सुना ये सुनने से आपको क्या फल मिलेगा। वट इज द फल श्रुति, वट इज द फल श्रुति ऑफ hearing about Bhagavad Gita of first chapter of Bhagavad Gita. तो बहुत ये पद्म पुराण से आता है ये description. तो पद्म पुराण में ये कहानी आती है कि पार्वती अपने पतिदेव लॉर्ड शिव, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो हमेशा उनके बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में कृष्ण कथा चलती रहती है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू नो अबाउट कृष्णा। तो भागवत कथा शिवजी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ भागवत कथाकार, हमेशा भगवान की कथा में रमे हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी पार्वती जी का कुछ क्वेश्चन आया शिवजी से, तो वो कहती हैं हे देव आपकी कृपा से मैंने भगवान श्री कृष्ण के गुणाख्यानों का व्याख्यान मैंने सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट द ग्लोरीज, आमी सुने छी अपना मुख थे के जे भगवान श्री कृष्ण की गुणों कीर्तन की महिमा आछे। एबार आमी जानते चाहिछी जे भगवद गीता যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে বলেছিলেন সেটা শুনলে আমাদের আমরা কি ফল পাই। তো ও অভি ভগবান শ্রী শিবজি সে পুছ রে কি ভগবদ গীতা শুনলে সে কি ফল মিলতা হ্যাঁ মুঝে অভি ইয়ে বতাইয়ে। কন কিসকো পুছ রা পার্বতী শিবজি সে কে রে। শিবজি নে উত্তর দিয়া ইয়ে স্কন্দ পুরাণ সে। তো শিবজি উত্তর দেতে হ্যাঁ कि वो व्यक्ति हे वो भगवान श्री कृष्ण जिनका कलर जिनका जो 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 जिनकी जो अंग कांति है वो घन श्याम वर्ण की है, और साथ ही साथ जिनका जो वाहन है वो गरुड़ है, और जो कि अनंत शेष में हमेशा विराजमान रहते हैं वो भगवान श्री विष्णु, उनकी ख्यातियों की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू हिज ग्लोरीज। मैं हमेशा उनका ही मैं क्या करता हूँ भजन पूजन करता रहता हूँ। अब मैं उनके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। हे पार्वती एक बार जब भगवान विष्णु जब मूर नाम के एक असुर का वध करते हैं तो वह असुर का वध करने के बाद वो अनंत शेष की शैया में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, he was in योग निद्रा। उस समय उनसे उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी प्रश्न पूछती है। ठीक है, अभी देखिए स्टोरी के अंदर स्टोरी आ रहा है, अब उसके अंदर एक और स्टोरी आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहला स्टोरी के अंदर आउटर लूप में कौन है, पार्वती और शिव जी, उसके अंदर में लूप में कौन चल रहे हैं, लक्ष्मी देवी और विष्णु। उसके अंदर में एक और स्टोरी आने वाला है तो अभी हम चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मी देवी उनका पाद संभारण कर रही थी तो उनसे भगवान से पूछती हैं हे भगवान हे देवादिदेव आप इस संसार के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, मेंटेनर हैं, पूरा ब्रह्मांड के मेंटेनर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं और यहाँ पर आप विश्राम तो कर रहे हैं लेकिन आप अंदर से किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं या अनहैप्पी लग रहे हैं, क्या कारण है इसका। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी मैया को कहा कि मैं सोया हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग, बट मैं अपनी माया शक्ति का कार्यकलाप देख रहा हूं इस संसार में, किस प्रकार से माया देवी पूरे विश्व का संचालन कर रही है, हाउ शी इज कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर यूनिवर्स, आई एम जस्ट सीइंग दैट। और तो और मैं ये भी देख रहा हूं कि वही मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति माया देवी प्रकृति वो इस संसार को तो चला रही है लेकिन वो मुझसे एक प्रकार से क्या है, She is my energy only, वो मेरी ही शक्ति है, और मेरी शक्ति होने के बाद इस प्रकार से वो संसार को चला रही है, मैं ये देख के स्तब्ध हूँ, I am fully mesmerized by seeing this। मैं भिन्न भी हूँ लेकिन मेरी शक्ति भी है और वो शक्ति इस संसार को कार्य पूरा इस प्रकार से कार्य कर रही है, तो मैं अपनी शक्ति के कार्यकलापों से मैं पूरा एक तरह से भौचक्का हो गया हूँ, वाह what wonderfully she is working। तो इस प्रकार से मैं ये जब देख रहा हूँ, और तो और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसी माया के चक्र से अगर कोई व्यक्ति अगर ये समझ कर कि मेरी दिव्यता अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो बहुत सारे व्यक्ति इस माया के चक्र से निकल भी सकते हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ।
तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ये सारी दोनों विडंबनाएं, ये संसार में कुछ जीव हैं जो कि माया के चक्र में हैं, और कुछ लोग जो मेरी शरण में आते हैं और इस माया के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजों में जब देख रहा हूं तो मुझे लाइक आई एम बिकमिंग टोटली मेसमराइज्ड बाय सीइंग ऑल दिस थिंग। तो लक्ष्मी जी ने बताया, हे देवादिदेव, आप तो सब योगियों के विषय वस्तु हैं, ध्यान के विषय वस्तु हैं, तो आपके बिना तो इस संसार में कुछ भी नहीं चलता है, और आप तो सब अपनी प्रकृति से आप हमेशा अलग रहते हैं। यू आर ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम योर प्रकृति। आप ही संसार के नियंता है, कंट्रोलर है, मेंटेनर है और डिस्ट्रॉयर भी है, सृष्टि करना करता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। तो आप किस प्रकार से ऐसे विचंबित हो रहे, क्योंकि ये तो आप ही की शक्ति है, आपको इस प्रकार से बिविल्डर होने का क्या मतलब हो जाता है ना? तो आप किस प्रकार से अट्रैक्टेड हो जाते हो अपनी शक्ति के प्रति? विष्णु ने उत्तर दिया लक्ष्मी देवी को, देखो इस संसार में मेरी शक्ति को अगर जानना है, इफ समवन वांट्स टू अंडरस्टैंड माय शक्ति, ये कब तब पॉसिबल है जब कोई अपनी शुद्ध भक्ति, शुद्ध बुद्धि के द्वारा मुझे जानने की कोशिश करेगा। और ये सारी चीजें कहां पर दी गई हैं? ये सारी चीजें भगवद गीता में दी गई हैं। तो ये अचंभे होने का ये कारण था उनका, कि अगर कोई इस माया शक्ति से निकलना चाहता है, माया शक्ति से निकलने का ये सारा ज्ञान कहां पर दिया गया है? श्रीमद भगवद गीता। तो अभी एक क्वेश्चन आ गया, अरे श्रीमद भगवद गीता का नाम आया, लक्ष्मी देवी पूछना शुरू करती है, व्हाट इज श्रीमद भगवद गीता, आप इसके बारे में बताइए मुझे। तो लक्ष्मी देवी ने प्रश्न पूछा कि आप अपनी शक्ति के कार्यकलापों से इतने विमोहित हो रहे हैं और आप ही अपनी शक्ति को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपकी शक्ति इतनी इतनी बड़ी विशाल है, आपकी शक्ति है, आपसे सबॉर्डिनेट है, लेकिन आप अपनी शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप ही ये कह रहे हो कि ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने भगवद गीता में बता के रखी है। तो कृपया करके मुझे बताइए कि भगवद गीता का क्या, भगवद गीता पढ़ के कोई संसार को कैसे तर सकता है? हाउ बाय रीडिंग भगवद गीता आपकी माया शक्ति को कोई कैसे प्राप्त कर सकता, को बाहर आ सकता है? तो विष्णु जी ने बताया, देखो ये भगवद गीता और कुछ नहीं बल्कि ये मेरा ही स्वरूप है। अगर कोई भगवद गीता पढ़ता भी है तो भगवान श्री कृष्ण, देखिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भगवान के अवतारों में व्हाट काइंड ऑफ अवतारस आर देयर। तो भगवान भिन्न भिन्न प्रकारों से अवतार लेते हैं। किस प्रकार से श्रीमद भागवतम रूपी ग्रंथ रूप में आते हैं, कभी भगवद गीता ये भी भगवान का ग्रंथ अवतार है। दिस इज सेम एज, नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्यों? भगवान की वाणी है इसमें। और तो और वैष्णव के रूप में आते हैं, तुलसी महारानी के रूप में आते हैं, गंगा देवी के रूप में आते हैं, काठ के रूप में जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं, सो मेनी फॉर्म। भगवान अपने दिव्य नामों के रूप में आते हैं, हरि नाम के रूप में आते हैं, हर प्रकार से भगवान आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, क्यों? कृपा देने के लिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अगर कोई ये जो रूप है ये भगवद गीता मेरा ही स्वरूप है। तो अगर कोई भगवद गीता की अगर घर पे कोई पूजा भी करे, और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि नाउ दिस दिसंबर मंथ, मार्गशीर्ष मास जो शुरू हुआ है, दिस इज द फेवरेट मंथ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, मासो हम मार्ग शीर्षा नाम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूति शक्ति के बारे में बताते हैं, मैं मासो में मार्ग शीर्ष हूँ। राधा रानी के लिए फेवरेट मंथ कार्तिक है, कार्तिक के बाद वाला महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा प्रिय है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये प्रिय है, और क्यों प्रिय है, कोई कारण बता सकता है वाई कृष्ण दिस इज मोस्ट? एक कारण ये भी है, आपको पता होगा वाई दिस इज मोस्ट प्रिय। तो जो ऑलरेडी डिवोटीज है दे कैन आंसर, यस कैलाश यू आर राइट। गीता जयंती का माह कब आता है? इसी महीने में आता है। तो इसीलिए ये प्रिय है ना। तो इस महीने में जो एकादशी वाला तिथि है, इस साल एक और अच्छा ये बात भी ये है कि 25 दिसंबर इस गीता जयंती थी। दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, महाभारत का पहला दिन था, उसी दिन भगवद गीता का अवतरण हुआ इस संसार में, और उसी दिन 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी है। तो दोनों तरह से सबके लिए बहुत पावन तिथि है, सबके लिए बहुत पावन तिथि है। एक शुद्ध वैष्णव के की जन्म तिथि भी है और उस दिन गीता जयंती भी है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखो ये जो शरीर है भगवद गीता को इस प्रकार से, और एक और चीज है कि इस महीने हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, देखिएगा इस्कॉन के भक्त ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म हर जगह जा जाकर भगवद गीता बांटते हैं। हर मंदिरों में आप देखेंगे तुला दान हो रहा है, तुला में वेट अपने वेट वजन के हिसाब से लोग गीता दान करते हैं। लोगों को गीता दान करना इस महीने और स्पेशली गीता जयंती के दिन में, तो वी कैन नॉट इमेजिन। इट इज सेड कि अगर कोई गीता जयंती के दिन किसी को गीता भगवद गीता गिफ्ट करता है तो 7 कल्पों के लिए एटलीस्ट फॉर 7 मिलेनियम ही विल बी स्टेइंग इन वैकुंठ धाम, उसका सीट रिजर्व हो गया। दिस इज सो मेनी, और इसके साथ भगवान के धाम जाना उसके लिए सीट गारंटीड है। ये चीज है, भले ही वो खुद नहीं पढ़ रहा है, दूसरों को बस पढ़ने के लिए मार्ग दे रहा है। अगर मैं अपने जीवन में ही बात बताऊं,
आई गॉट इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये मेरा इंग्लिश वाला गीता था, दिस इज फ्रॉम 2005 2005 से मेरे साथ है, दिसंबर में ये मैंने लिया था, मैराथन के टाइम में किसी ने मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दिया था। इसके 2-3 महीने पहले मैंने हिंदी वाली भगवत गीता ली थी, तो वो भी मुझे किसी ने स्पॉन्सर्ड गीता दी थी, किसी ने गिफ्ट दी थी मुझे, उस गिफ्ट की वही गीता की वजह से आज मैं भक्त हूँ। तो पता नहीं जिसने भी मुझे गिफ्ट किया, समहाउ जिसका भी स्पॉन्सरशिप था उसको, तो उसकी कृपा से मैं आज चलो भगवान का भक्त बन पाया, मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। तो इस महीने किसी को ये दिस इज द बेस्ट ऑफ द दान, किसी को गीता दान करना, दिस इज द बेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द चैरिटीज। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवद गीता ये मेरा स्वरूप है, जो पहले जो 5 चैप्टर हैं, पहले जो 5 चैप्टर हैं वो मेरे मस्तक के समान है भगवद गीता के, दिस आर माय 5 फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर माय हेड। उसके बाद जो 10 चैप्टर्स हैं वो मेरे 10 आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब हैंड्स, मेरे भगवान के 10 आर्म्स हैं, और 16वां अध्याय वो मेरा पेट है, ठीक है, एक कल्पना भगवान विष्णु की, और उसमें भगवान बता रहे विष्णु कि ये मेरा पहला जो 5 चैप्टर है वो मेरा मस्तक है, 10 मेरे हाथ है, और 16वां चैप्टर क्या है, मेरा पेट है, और 17वां 18वां मेरे चरण कमल है। तो ये मेरा ही स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ से हमारा चैप्टर 1 का ग्लोरी शुरू होता है, वो बताते हैं अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन अगर एक चैप्टर पढ़ता है, एवरी डे इफ समवन रीड्स 1 चैप्टर, ओके ठीक है, एक चैप्टर नहीं पढ़ पाया, एक श्लोक अगर हर दिन कोई एक श्लोक पढ़ता है भगवद गीता का, आप लोगों में से कितने लोग हैं एक दिन हर दिन एक श्लोक जरूर पढ़ते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। तो आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है, एक चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे, ओके, प्रियंका जी, आदित्य जी, शोविनी जी, संदीप झा जी, अधीरथ प्रभु, शेखर प्रभु, ओके, तो हर दिन जो एक श्लोक पढ़ता है, ओके, एक श्लोक नहीं भी पढ़ता है, अगर कोई आधा श्लोक पढ़ता है, ओह आधा श्लोक भी, अच्छा ओके शुभांगी जी थैंक यू, है ना, और आधा श्लोक, अच्छा आधा श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, आधे का भी आधा अगर कोई पढ़ता है 1/4 ऑफ द श्लोका, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, देन ऑल्सो उसमें लिखा है कि अगर कोई क्वार्टर श्लोका भी पढ़ता है, 4 श्लोकों का एक भाग भी कोई पढ़ता है, उसको वही गति मिलेगी जिसको सुशर्मा नाम के व्यक्ति को मिली। तो अभी सोचिए, कहानी के बीच में कहानी आ रही है, तो लक्ष्मी देवी को लगा सुशर्मा, ये तो मैं पहली बार नया नाम सुन रही हूँ, सुशर्मा को क्या गति मिली, प्लीज लेट मी नो, ये सुशर्मा कौन था, कहां से आया, क्या था उसका, उसको क्या डेस्टिनेशन मिला, वो कौन सी जाति का था, कौन से वर्ण का था, और उसको क्या डेस्टिनेशन मिला, प्लीज लेट मी नो। देन विष्णु स्टार्ट्स टेलिंग स्टोरी अबाउट सुशर्मा। तो वो बताते हैं, हे देवी, सुशर्मा एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये, देखिए आजकल के कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, पहले के सतयुग में इस प्रकार के रेयर लोग होते थे, ऐसे पापी जनरली लोग नहीं होते थे, कलयुग में आड़े तेरे सब मिल जाएंगे, ऐसे हम सब, मैं भी उसी कैटेगरी का। तो बेसिकली सुशर्मा वाज अ वेरी विकेड एंड मोस्ट सिनफुल मैन, इतना पापी व्यक्ति था, और ऑल्दो वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन ब्राह्मण का कोई नेचर नहीं था, ही हैड नो वैदिक नॉलेज, उसके पूरे फैमिली में कोई वैदिक वेदों का ज्ञान नहीं था, साथ ही साथ उसको हमेशा मजा आता था लोगों को हर्ट करने में, ही वॉज ऑलवेज गेटिंग प्लेजर इन हर्टिंग पीपल, लोगों को क्षति पहुंचानी है, साथ ही साथ वो कभी ना कभी, कभी भी मेरा नाम उसने कभी जाप नहीं किया, कभी किसी को दान दक्षिणा तक नहीं दी उसने, इवन चैरिटी ही नेवर गिव, नाइदर अपने घर पे कोई अगर मेहमान आते थे, आगंतुक आते थे, अतिथि आते थे, उसका भी कभी भी उसने क्या किया, सम्मान नहीं किया। कलयुग में यही सारी प्रॉब्लम्स है, ना तो हम भगवान का नाम जप करते हैं, ना तो दान पुण्य करते हैं, ना ही कोई गेस्ट आता है तो दूर से बोलते टाटा बाय बाय, अभी कोरोना के समय तो चलो मजबूरी है, लेकिन ऐसे भी हम लोग वी नेवर वॉन्ट टू एंगेज टू वेलकम अतिथि, पहले अतिथि देवो भव बोला जाता था, लेकिन भारत की संस्कृति इतनी खराब हो गई है कि वी अतिथि भागो भव, है ना, इनफैक्ट ही नेवर परफॉर्म्ड एनी पायस एक्टिविटीज, कभी भी उसने कोई भी अच्छा कार्य किया ही नहीं था, पूरे जीवन भर वो अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करता था, कुछ पत्ते कहीं से इकट्ठे करता था और बाजार में बेचता था, उसी के द्वारा वो जो धन इकट्ठा होता था उसी के द्वारा मदिरा पान करता था और मांसाहार करता था। ब्राह्मण कुल में व्यक्ति पहले के जमाने में, आजकल की बात नहीं कर रहे, पहले के जमाने में ऐसा व्यक्ति है, वो मांसाहार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक दिन की बात है, एक समय वो किसी एक गार्डन में गया उस सूखे पत्तों को लेने के लिए, उसी समय एक सांप आकर उसके कर्मों के प्रभाव से उसको डस देता है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु होती है उसे भिन्न भिन्न प्रकार के नरकों में यात्राएं दी जाती हैं। सो मेनी हेलिश प्लैनेट्स आर देयर, हर प्रकार के हेलिश प्लैनेट्स में उसको काफी लंबे समय तक उसको हेल में रहना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही बिकेम समाओ, क्योंकि वो पहले ब्राह्मण थे, उसे एक
वृषभ यानी कि बैल का एक शरीर मिलता है। बहुत पीड़ा झेलने के बाद उसे वृषभ का एक शरीर मिलता है, बैल का शरीर मिलता है। लेकिन वो बैल एक ऐसा पापी व्यक्ति, उसको भी जो मालिक था वो इतना खराब व्यक्ति था, उसने उसे खरीदा और बहुत बुरी तरह से उसको उससे कार्य कराता था। 7-8 साल तक उसे बहुत ज्यादा भार उठाया, उससे बहुत भार उठाता था, जरूरत से ज्यादा। उसका कंधा ये हो जाता था, पीड़ा होती थी, तब भी वो उसको कार्य कराता था। तो एक दिन की बात है, इस प्रकार से जब वो बहुत भारी सामान उठाकर लेके जा रहा था, उसके सर पे ऊपर जो जो ये था क्या बोलते हैं बैलगाड़ी में जो होता है, इतना भारी था कि वो पूरी के पूरी तरह लुढ़क गया। मतलब ही वॉज फुल्ली क्रैश्ड, पूरी तरह जमीन पे गिर गया एंड ही वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू लीव हिज बॉडी। सडनली द बुल फेल ओवर एंड बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाते हैं। और रस्ते में सोचिए, उस समय लोग धार्मिक हुआ करते थे। आजकल कोई भी एक व्यक्ति का भी एक्सीडेंट हुआ तो कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक बैल रास्ते पे गिर गया और सबकी श्रद्धा थी गौवंश के प्रति, तो सारे व्यक्ति आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये शरीर छोड़ देगा कुछ देर के अंदर। तो सब कोई इतने दुखी हो गए और हर व्यक्ति अपने कुछ कुछ पुण्य फलों को उस वृषभ को देने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने कुछ पुण्य फल इस बैल को देता हूं ताकि इसकी सदगति हो, आगे जाके उसकी सदगति हो, भले उसने बहुत पीड़ा सही है इस शरीर में, आगे जाके उसकी कुछ सदगति हो। तो हर प्रकार के ब्राह्मण व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, बहुत सारे धार्मिक लोग आए और अपने अपने मन उस मन में जो भी अच्छी चीज आ रही थी, देवर रिमेम्बरिंग एंड देवर गिविंग इन चैरिटी। तो देख सकते हैं ये भक्ति ऐसी चीज है, अगर हमने कोई अच्छा कार्य किया है, भक्तिमय कार्य किया है, उसका फल भी हम किसी को दे सकते हैं। कोई अगर जप नहीं कर पा रहे उसके लिए भी जाप कर सकते हैं, ऑफकोर्स उस व्यक्ति को भी जाप करना चाहिए, लेकिन अगर कोई उस स्थिति में नहीं है उसके लिए कोई दान कर सकता है, उसके लिए कोई चैरिटी कर सकता है, उसके लिए कोई तपस्या कर सकता है ताकि उसका फल मैं उस व्यक्ति को दूं ताकि वो भी भक्ति में उन्नति करे। कार्तिक महात्म्य के कहानी में भी हमने ये चीज देखा था कि एक ब्राह्मण ने उस प्रेत योनि को अपने जीवन का आधा फल उस प्रेत, उस भूत पिशाच जो भूतनी थी, उसको दे दिया। अंत में उसकी क्या गति हुई? शी बिकेम लिबरेटेड, पूरी तरह से विष्णु दूत आकर उसको उस भूत योनि से, प्रेत योनि से उसका उद्धार करके ले गया। तो भक्ति ऐसी चीज है, हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं, ये एक बहुत पावरफुल चीज है। तो यहाँ पर जितने लोग थे उस समय, उस सभा में एक प्रोस्टिट्यूट भी थी, एक वैश्या भी थी, और उस वैश्या ने सोचते सोचते क्या किया, शी ऑल्सो रिमेम्बर्ड, क्योंकि उसको लगा कि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य तो किया नहीं, तो उसको एक कुछ याद आया कि हाँ, उस कुछ तो अच्छा कार्य किया, उस अच्छे कार्य को फल उसने उस बैल को दे दिया। और वो सोच दे, जैसे ही उन्होंने दिया, उसके बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बैल मृत्यु होती है, उसे यमराज के धाम में लेकर आया जाता है। यमराज के पास में वो बैल नॉर्मल शरीर में पहुंचते हैं, तो यमराज उनको इन्फॉर्म करते हैं, अरे तुम्हारा खाता भी सब देख रहा हूं मैं, अरे तुम तो सारे पापों से मुक्त हो चुके हो, तुम सारे पापों से मुक्त हो चुके हो, तुम्हारे कोई भी पापों का फल तुम्हारे क्रेडिट खाते वाले में सब जीरो हो गया है ना। आजकल खाता अकाउंट का ये ऐप निकल गया यार, लोगों को इतना मेमोरी खराब हो गया कि पेन और नोट कॉपी में भी लिखने का समय नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में लिखते हैं। यहाँ पर भी यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे हुए हैं सारा खाता हिसाब रखने के लिए। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हारा सारा खाता पीता सब जीरो हो गया है। नाउ व्हाट यू आर आई एम सीइंग, क्यों जीरो हुआ है, क्योंकि उस वैश्या ने, उस सभा में जितने ब्राह्मण थे उन्होंने भी कुछ कुछ दिया था, लेकिन उस वैश्या ने एक चीज दिया था, अपने पापों, अपने पुण्यों का फल, उसके फल की वजह से तुम्हारे सारे पापों का फल जीरो हो चुका है। तो अब तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है, नेक्स्ट जीवन में तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देन यू विल कंटिन्यू योर लाइफ। तो अब जैसे ही वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उन्होंने, यही सुशर्मा जो पहले पापी था, बुल बना, मतलब बैल बना, आगे जाके फिर ब्राह्मण योनि में आता है। बहुत दिनों, क्योंकि उसको पिछले जन्म याद थे, ही वॉज एबल टू रिमेम्बर हिज पास्ट लाइफ, तो वो उस वैश्य स्त्री, क्योंकि जिस स्थान पर जन्म लिया था उसके आसपास ही उसने जन्म लिया था, तो वो उस वैश्य स्त्री को ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी वजह से, उसकी कृपा से मुझे क्या हुआ है, मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, ब्राह्मण कुल मिला है, मैं उसका थैंक्स गिविंग करके आता हूँ। तो ढूंढते 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 उस स्त्री के पास जाते हैं। उस स्त्री के पास जाने के बाद वो बोलता है, अरे यू आर एबल टू रिमेम्बर मी, हाउ आई विल बी एबल टू रिमेम्बर। तो ही स्टार्ट्स टेलिंग दैट, मैं वो बैल था, आपने ये कार्य किया था, आपने मुझे एक पुण्य फल दिया था, यमराज जी ने बताया कि उस पुण्य की वजह से मुझे ये ब्राह्मण का शरीर मिला है, तो आप प्लीज बता सकते हैं आपने वो क्या पुण्य किया था जिसकी वजह से मुझे ये शरीर मिला। तो उस समय प्रोस्टिट्यूट ध्यान करती है, तब उसको याद आता है, ओ अच्छा, मेरे घर पे एक तोता है, मेरे घर पे एक पिंजड़े में एक तोता है जो हमेशा कुछ ना कुछ श्लोक बोलता रहता है, some Sanskrit verses he is always reciting।
तो चलो उसके पास ही जाते हैं हम लोग और उसी से पूछते हैं कि वो क्या रिसाइट करना है। मैंने उसके फल का स्रोत का जो फल था वो मैंने आपको दिया था, जो भी मैंने उतना दिनों तक अपने जीवन में उस तोते से वो संस्कृत के श्लोक सीखे थे, सुने थे, उस सुनने का फल मैंने आपको दिया था, क्योंकि मेरे जीवन में कोई भी अच्छा चीज मैंने किया ही नहीं, हमेशा अपने बॉडी को मिसयूज ही किया है। तब दोनों मिलकर उस तोते के पास जाते हैं, तोते के पास पूछते हैं आप तोते आप कौन हो। तो वो तोता भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तोता था, वो ही कुड स्पीक इन ह्यूमन लैंग्वेज। तो वो बताता है एक्चुअली जब मैं बचपन में था तो मैं बचपन में एक ऋषि के आश्रम में था और वहां पर उस गुरुकुल में, आजकल तो गुरुकुल का कोई सिस्टम नहीं है और ना ही बच्चों को हम भगवद गीता सिखाते, तो वो वहां पर बताते हैं कि भगवत मैं जिस आश्रम में था उस आश्रम में एक ऋषि थे और वो बच्चों को चैप्टर 1 भगवद गीता रटवा रहे थे, याद करवा रहे थे। तो फ्रॉम नंबर 1 श्लोका टू नंबर 72 नंबर श्लोका पूरे के पूरे बच्चे सब एक साथ रिसाइटेशन करते थे। आजकल भी अगर जरा बांगाली आचन तारा भालो करे जानें, हमने जब छोटे वाले मुखस्त करता एक या फिर हिंदी भारत में भी हिंदी में बोला एक एकम एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ऐसे याद करते थे। याद है कि नहीं, इस तरह से बार बार रिसाइट कर करके मेंटली कभी भी रिसाइट याद नहीं होता है। तो ये बच्चे भी इस तरह से जोर जोर से उच्चारण करते थे। इसी कारण से उस तोते ने की भी मेमोरी पावर क्या होती है, बहुत शार्प होती थी, उसने सारे 72 श्लोक पूरे अच्छी तरह से याद कर लेती थी। लेकिन जैसे चैप्टर 2 शुरू होने वाला था लाइक अस अभी चैप्टर 3 शुरू होने वाला है तो किसी किसी का क्लास बंद हो जाता है बोले प्रभु जी कितना लंबा खींचेंगे, मेरा ये भी है, काम भी है, ऑफिस भी है, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। जितना भी आपने सुना है दैट इज योर बेस्ट बेनिफिट, चिंता मत कीजिए। भगवत गीता सुनने का आज इसी में ये गीता महात्म्य में शिव जी पार्वती को यही श्लोक बता रहे हैं कि जितना भी है आपके लिए वो बेनिफिट है। आज भगवत गीता आपने सुना, अगेन रिविजन हुआ, क्या बेनिफिट है यहाँ पर समझिए। तो चैप्टर 2 शुरू होने वाला था, उसको कोई लुटेरा आके शिकारी आके उसको अगवा करके लेके चला गया और मार्केट में बेच दिया। उसके बाद प्रोस्टिट्यूट ने उसको खरीदा और जैसे उसको खरीदा उसका पालन पोषण कर रही थी और इससे भगवत गीता का श्लोक भी सुन रही थी, चैप्टर 1 भगवत गीता। यस, तो उस श्लोक के सुनने के कारण प्रोस्टिट्यूट के हृदय, उस वैश्या के हृदय में भी परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ उसके सुनने से दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन हुआ। ये है चैप्टर 1 भगवत गीता सुनने का। ये तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इसके कारण आफ्टर डिस्कसिंग फॉर सम टाइम, जब उन्होंने आपस में चर्चा की, ये तोते वैश्य और सुशर्म ये तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे भगवत गीता पढ़ने का ये लाभ है क्या। ओ अच्छा, तो सुशर्म अपने घर आते हैं और तीनों के तीनों अच्छे प्रकार से, ये तीनों है ना, अपने अच्छे प्रकार से भगवत गीता के चैप्टर 1 को ही उन्होंने पूरा जीवन भर अच्छी तरह से पढ़ाई किया, सोचिए। और साथ ही साथ सिर्फ इवन फॉर स्टडिंग भगवत गीता चैप्टर 1 दे वेंट बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम वो वापस गए, वैकुंठ धाम गए जस्ट बाय रीडिंग। बाकी चैप्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चैप्टर। तो यहाँ पर भगवतम ये शिव जी बता रहे हैं कि एनीवन हु रिसाइट्स, जो बोलता है तो हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। जो रिसाइट करता है, जो सुनता है, श्रोता, जो वक्ता है, और साथ ही साथ जो पढ़ता है, पढ़ना भी जरूरी है, जो नहीं पढ़ रहा है तो सोचिए है ना, तो जो पढ़ता है भगवत गीता चैप्टर 1 विल वेरी इजीली क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मटेरियल मिजरीज, इस संसार को तर जाएगा, इस भव सागर को तर जाएगा और साथ ही साथ भगवान श्री हरि के लोटस फीट, भगवान श्री हरि के चरण कमलों की गति उसको प्राप्त होगी होगी। तो यहाँ पर ये चर्चा की गई है भगवत गीता महात्म्य में बाय लॉर्ड शिवा टू गॉडेस पार्वती। तो बहुत रोचक कहानी थी ये। तो आप लोगों कितने लोगों को अच्छा लगा ये सुन के कि क्या बेनिफिट यू आर टेकिंग होम राइट टुडे बाय हियरिंग भगवत गीता। तो थैंक यू शुभम, दीपांकर जी एंड एंड भाष्वती माता जी, सुदेशना माता जी। तो नाउ थैंक्स अ लॉट संदीप प्रभु, थैंक्स अ लॉट। तो आज अभी जो चर्चा करने वाले हैं ये एक प्रैक्टिकल, तो अभी थैंक यू सो मच, सुलक्षणा माता जी, शेखर प्रभु, प्रियंका माता जी। तो अभी जो एक चीज मैं चर्चा करने वाला हूँ तो उसका चर्चा का विषय है कि हमने ये बताया ना आप लोगों को कि किस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल चीज भी जाननी है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो भगवद गीता तो हम लोग बुक्स तो स्टडी कर ही रहे हैं, लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपने भक्ति में एडवांस करने के लिए जब हम लोग नॉर्मल क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी सीखते थे, किस प्रकार से तिलक लगाना है, भगवान के प्रसाद ग्रहण। अभी एक प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आप लोगों को प्रसाद नहीं खिला पा रहे, भगवत हर क्लास के बाद हम फुल डिनर प्रसाद होता था। तो बट स्टिल योर सिंसियरिटी इज देयर, यू आर ऑल अटेंडिंग फॉर सो मेनी टाइम्स, इतने दिनों से आप लोग तीन चार महीने से अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सब सिंसियर हैं। तो ऑफकोर्स वो एस्पेक्ट हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, बिना भगवत प्रसाद के आप लोग भगवत गीता सुन के ही एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आज प्रैक्टिकल चीज हम चर्चा करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज हाउ टू डू आचमन। आचमन हमारे लिए बेसिक मिनिमम चीज है कि आचमन किस प्रकार से करना है। आचमन मतलब
मैं आपको बताऊंगा। कोई भी नॉर्मल कार्य जब हम लोग करते हैं, स्पेशली जब मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर भगवान की पूजा घर में जा रहे हैं, कोई भी आरती वारती करते हैं हम लोग, तो उसके पहले हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करने का क्या तरीका है, आपके घर पे अगर गंगा जल है तो इस प्रकार से आचमन पॉट होता है या फिर एक स्पून होता है, इस तरह से बंगाल में आप लोग सब जानते होंगे या फिर बाहर में भी यू आर नो। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये इससे भी काम चल जाए, किसी भी बॉटल में यू कैन कीप गंगा जल एंड डू आचमन, इस प्रकार से भी आचमन कर सकते हैं। ठीक, दोनों अवेलेबल, जो भी आपके लिए फिजिबल है यू कैन डू। तो गंगा जल अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, गंगा जल अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, मंत्रों के द्वारा आप किसी भी पानी में गंगा जल का आह्वान कर सकते हैं। आई विल शेयर यू द मंत्र, व्हाट इज दैट मंत्र, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करुम। भारतवर्ष में जितने भी पुण्य नदियां हैं उन सारे नदियों का पुण्य जल हम आह्वान कर रहे हैं इसमें या फिर इसमें। तो अगर फॉर ब्राह्मण इनिशिएटेड, जो ब्राह्मण दीक्षित वाले भक्त होते हैं, बहुत सारी मुद्राएं होती हैं जिसके द्वारा हम लोग आह्वान करते हैं। एटलीस्ट आप लोग अगर हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करेंगे इस जल को देखते हुए कि हे सारी पवित्र नदियां, हे गंगा देवी, प्लीज इस जल में आविर्भूत होइए, आइए। गंगा देवी आएंगे, शी कैन कम इन आवर इंटेंशंस आल्सो। तो गंगा जल होना बहुत जरूरी है और हमें तीन मंत्र जानना है, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दीज आर द थ्री बेसिक मंत्रास, व्हाट आर दे। तो लेफ्ट हैंड में स्पून को लेना है, दिस इज द थिंग। और पहला बेसिक चीज, एक आसन होना बहुत जरूरी है। आसन पे बैठ के शुद्ध चेतना के साथ नहा धोने के बाद जब भी आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, बेसिकली नहाने के बाद ये चीज बाय डिफॉल्ट अगर करेंगे हम लोग हर दिन, दैट इज बेस्ट। तो क्या करते हैं हम लोग, आसन में बैठ गए, बैठने के बाद आप आचमन पॉट लीजिए, आचमन पॉट में ये इतना पानी लेके और हाथ में ऐसे ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, और वहां पर पानी अपने लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड में लिया, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेने के बाद जल को देखते हुए क्या करना है, ओम केशवाय नमः, केशवाय नमः बोल के पी लेना है। देन ओम नारायणाय नमः, ठीक है, देते हुए पी लेना है। तीसरा मंत्र है ओम माधवाय नमः, और देखते हुए मंत्र का जाप करना है, एंड देन यू हैव टू ड्रिंक। और अंत में प्रोक्षण, मतलब हाथ को शुद्ध करना है क्योंकि हमने इससे पानी पिया है, तो दोनों हाथों को हमने प्यूरिफाई कर लिया। ठीक है, तो जिस तरह से दिस इज होल हैंड्स आर प्यूरिफाइड। ठीक है, तो ये है, इसको कहते हैं आचमन। ऑफकोर्स आचमन में और भी बहुत सारे मंत्र भी हैं। फॉर ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज हमको 24-24 मंत्र, पूरा शरीर को प्यूरिफाई करना पड़ता है, आईज ईयर्स नोज पूरा बॉडी। बट एटलीस्ट ये बेसिक फॉर गृहस्थस, एटलीस्ट दिस मच इज सफिशियंट। इतना भी करेंगे, इसके बाद आप घर पे कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज सफिशियंट इनफ, राइट। तो ये तो पहला चीज है, अपने आप को शुद्ध करना, अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करना आफ्टर टेकिंग बाथ, ये हम करते हैं। दूसरा, इवन इफ समवन इज स्टैंडिंग गायत्री, बिफोर दैट ऑल्सो वन शुड ट्राई टू डू। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा क्यों ये कितना इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप देखेंगे भागवतम में अश्वत्थामा, जब अश्वत्थामा में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है, अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, अरे ये इतनी ऊष्मा कहां से आ रही है, क्या है ये, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं तो ब्रह्मास्त्र छूटता कैसे, पूरा यूनिवर्स वाज लाइक टेररिस्ट बाय अश्वत्थामास वेपन। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम पांच पांडवों के लिए अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और बाद में आचमन करते हैं, और आचमन करने के बाद अपनी तरफ से भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तब सोचिए कोई भी सेक्रेड वेपन, मंत्रिक, दीज आर ऑल मंत्रस, मंत्र का उच्चारण करने के पहले ही वॉज ट्राइंग टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ, देन ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब सोचिए वेपन ऊपर में हवा में इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बीच में उसने आचमन भी किया, ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा, कितना इंपॉर्टेंट है अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना बिफोर चैंटिंग एनी मंत्र और डूइंग एनी पूजा काइंड ऑफ एक्टिविटी। इसलिए ये चीज करना बहुत जरूरी है डूइंग आचमन, राइट। तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चीज है, ये हम जनरली ये करते हैं। कभी भी डेटी वर्शिप करने आते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, मंदिर में कभी कोई सेवा करने आ रहे हैं, फूल माला की सेवा है या बर्तन धोना है, भगवान के बर्तन धोना है, कुछ भी करने के पहले अपना आचमन जरूर करना चाहिए। दूसरा चीज है जिसके बारे में हमने बताया था, ये तिलक लगाना, क्योंकि आचमन और तिलक दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आप लोगों ने, जैसे कितने लोगों ने लास्ट टाइम व्हाई वी डू व्हाट वी डू, मोस्ट ऑफली यू हैव डन दैट, तो उससे हमने तिलक के बारे में बताया था कि तिलक, गोपी तिलक कहां से आया है, ये द्वारका की मिट्टी है, उसके बारे में पूरी कहानी हमने बताई थी, द्वारका की मिट्टी का क्या महत्व है। तिलक के बीच में, दिस इज एक्चुअली लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु, और इसके सामने तुलसी है। तो तुलसी और
भगवान का चरण चिन्ह है उसमें हम लोग तुलसी अर्पित करते हैं। तो लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी है, राइट साइड में सदाशिव है, बीच में विष्णु विराजमान होते हैं। और हमें कभी भी तिलक लगाते वक्त ये उंगली, क्योंकि ये दिस इज अ फॉल्ट फाइंडिंग उंगली, इसका हमें यूज नहीं करना होता। कभी भी ऐसे तिलक नहीं करते, जनरली ये किसी भी तीन उंगलियों का यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सबसे फिजिबल है, ये वाली तर्जनी उंगली, ठीक है। तो और कहां कहां पर करते हैं, 12 अंगों में करते हैं। तो एट प्रेजेंट मोमेंट आप लोगों को एटलीस्ट नॉलेज फैक्टर के लिए, बहुत लोग शायद नहीं भी कर पाएंगे या फिर मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो वन सेकेंड, तिलक कम, तो ये है गोपी तिलक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं, शरीर में 12 स्थानों पे तिलक लगाते हैं। तो बहुत लोगों के लिए ये तिलक का भी एक प्रॉब्लम आएगा। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन है, आपको ऑफिस जाना है, क्यों जाना है, हमने बताया था नारायण कवच का क्या इंपॉर्टेंस है। दुर्योधन ने भी अपने शरीर में ये कवच को धारण किया था, क्यों, जब रणभूमि में इस तरह का सिचुएशन आया था, अर्जुन को भी वो डिफीट करने में, एटलीस्ट अर्जुन को भी टक्कर देने में दुर्योधन एक दिन के लिए हावी हुआ था। क्यों, क्योंकि उसके जीवन, उसने उस समय नारायण कवच या मंत्रों का कवच अपने शरीर में डाला था। तो इसीलिए कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कोई भी ड्यूटी में जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एटलीस्ट डू तिलक। तो समहाउ फॉर सोशल रीजन, अरे भाई ये लोग टकले लोग हैं, इस्कॉन वाले हैं, ये लोग तिलक लगाते हैं, ठीक है। अगर ये तिलक नहीं कर पा रहे, ये गोपी तिलक वाला जो तिलक है, या कभी कभार हम लोग को अलग से इसमें मिलता है, डब्बे में मिलता है, या फिर बहुत तो क्या करते हैं, छोटा सा एक डब्बा रखते हैं, डब्बे के अंदर ये तिलक को डिसॉल्व कर देते हैं, ये पूरी तरह से घुल जाता है, घुल जाने के बाद उसी से हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, अगर तिलक को अगर सर पे बहुत देर तक रखना है, तो एक ही तरीका है, अपने हाथ में ये रख के इसी आचमन पॉट से पानी ले लीजिए और इसमें अच्छे से इसको घोलिए, तो जब तक एक थिक पेस्ट बनता है, उसके बाद जब हम लोग इस तरह से तिलक करते हैं, समझो अगर मैं आपको दिखाऊं तिलक कैसे करना, तो इस तरह से ये हम लोगों ने पेस्ट बनाया हाथ में, एंड आईना तो नहीं है, इफ वी सी दिस वन आल्सो, तो यहां से हम लोग लाइक दिस वी डू, इस उंगली को यूज नहीं, मेबी ये उंगली यूज नहीं करनी है, तो लाइक दिस वी डू एंड वी ड्रैग आवर फिंगर्स, ठीक है। और तुलसी हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं, तो ये हैबिट के ऊपर है, जितना हम लोग एवरीडे करेंगे ये भी तुलसी भी परफेक्ट बनने लगेगी। पहले तो तुलसी भी रोटी जैसे दिखती है, लेकिन हैबिट के ऊपर सब परफेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली ये दिस इज आवर वे। कुछ लोग जो नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स गंगा जल से भी तिलक कर सकते हैं हम, यही गंगा जल को इनविजिबल तिलक, हर तिलक का एक मंत्र होता है, ओम केशवाय नमः, जैसे हम लोग यहाँ पर बताएंगे, देर इज अ सीरियल ऑर्डर ऑल्सो एंड देर इज अ मंत्र ऑल्सो। तो व्हाट इज द मंत्र, क्योंकि हम हर मंत्र में अपने शरीर को एक मंदिर बना रहे हैं और अपने शरीर के एक एक पार्ट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान का आह्वान कर रहे हैं। किस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ललाट में सर पे क्या है, ओम केशवाय नमः। देन नंबर वन, नंबर टू कहाँ पे है, नाभि पे, तो एन से नारायण, नाभि पे नारायण, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, केश से केशव, एन से नारायण, देन एम मध्य में क्या है, माधव, देन थर्ड फोर्थ में कौन है, थ्रोट गले में गोविंद, ग से गोविंद। तो ये एक लाइन वाले तो इजीली याद हो जाएंगे, केश से केशव, के एम एन और यहाँ पे जी, मतलब नाभि में नारायण, माधव मध्य में और गोविंद गले पे, तो इस तरह से याद हो जाता है। ये इसी सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं इधर उधर सब जगह लगा लिया लास्ट में, नहीं, सीरियल ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्यों हम लोग कर रहे हैं, ये तो हमने बॉडी को अपर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, गले पोर्शन, चेस्ट पोर्शन, पेट पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड में जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं हम ये, तो राइट साइड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हम पैर में भगवान का तिलक नहीं लगाते, तो राइट साइड में हम लोग राइट लोअर लिम्ब को और लेफ्ट साइड में लोअर लिम्ब को प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। तो राइट साइड में विष्णवे नमः इस साइड में, और उसके बाद राइट साइड के अपर शोल्डर्स में, शोल्डर्स में किसको नाम करते हैं, दिस मधुसूदनाय एंड त्रिविक्रमाय, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड को ये करते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लोअर लिम्ब, तो दोनों साइड में वी है, बोथ साइड्स देयर आर वी,
तो आप लोग को सुविधा होगा इस तरह से, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे एन है, मध्य में एम है और यहाँ पर जी है और सर पे केशव है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ऐसे याद रखना है कि ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये वाला थोड़ा याद रखना है, और बाकी ये वाला भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। तो लेफ्ट साइड में वामनाय नमः और इधर श्रीधराय ऋषिकेशाय, ठीक है। और ऊपर उसके बाद वाला ऑर्डर है पीठ के ऊपर, इसमें तो पीठ के ऊपर पी से है क्या, पद्मनाभाय, पद्मनाभाय नमः। और डी क्योंकि ये कमर का पोर्शन में आता है, तो कमर में क्या थे, दामोदर, हमने दामोदर महीना भी देखा, तो दामोदर बेल्ट में हम लोग बेल्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर दामोदराय नमः। और अगर कुछ तिलक बच जाए तो हम शिखा पे या सर पे लगा लेते हैं, तो वो हो गया वसुदेवाय नमः। दैट इज नॉट नेसेसरी, एटलीस्ट 12 जगहों पे तिलक इस प्रकार से हम लोग करते हैं ताकि शरीर की रक्षा कर सके हम अपने, कभी भी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, एटलीस्ट गंगा जल से इनविजिबल तिलक तो जरूर कर सकते हैं ऑफिस पर्पज में कहीं पर भी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आज तिलक के बारे में सीखा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी भी वैष्णव का तिरोभाव होता है या डिसअपियरेंस, शरीर छोड़ देते हैं, भले ही हम चिता में जलाने जाने वाते हैं, उसके शरीर पे भी हम तिलक लगाते हैं एज अ प्रॉपर वैष्णव। दिस इज अवर डिग्निटी, वी आर गिविंग इट टू दिस बॉडी बिकॉज दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड। इस तिलक के माध्यम से हम शरीर को मंदिर बना रहे हैं, ये मंदिर बन रहा है, हर जगह पे भगवान के एक एक अंश को हम पुकारते हैं और यहाँ पर हम तिलक के द्वारा भगवान का आह्वान कर रहे हैं। और ये सारे हमने बताया था कि एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, तो इस सब को चक्रों को भी एक्टिवेट करता है। तो इसके संबंध में एक बहुत सुंदर कहानी है जिसे बोल के मैं विराम दूंगा कि किस प्रकार से तिलक जो तिलक इज सो इंपॉर्टेंट। एक तो कथा हमने बताई थी पिछले बार क्लास में उस राजा के बारे में, कितने लोगों को याद है दिस किंग स्टोरी, कि किस प्रकार से अंत समय में उसको स्पर्श हो गया गोपी चंदन का, इस चंदन का, ये चंदन नहीं है, ये मिट्टी है गोपी तालाब की, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का चंदन भी मिलता है, वो मोटा आप लोगों को देखेगा मंदिर में एक पैकेट में मिलता है, तो दैट इज नॉट वेरी, ये उसमें बहुत सारे सेंट्स मिलाए हुए रहते हैं, ऑयल वॉयल मिलाए हुए रहते हैं, इससे बेस्ट है इस तरह का तिलक। या फिर अगर मायापुर में भी जाएंगे गोपी तालाब का डायरेक्ट मिट्टी का ब्लॉक होता है, उससे भी अगर हम लोग तिलक करेंगे, और सबसे बेस्ट है इस तरह से पेस्ट बना किसी भी डब्बे में अगर डाल के आप रख देंगे, उसके बाद आप तिलक लगाएंगे वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, लेकिन इस तरह का तिलक आपका घंटों घंटों भी ऐसे ही रहेगा, वो छड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का तिलक सबसे बेस्ट है, और वो भी अगर आप पेस्ट बन के अगर लगाएंगे वो तो आपका पूरा दिन भर चल जाएगा, 12 घंटे तो आपके सर पे रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एक और कहानी आती है ऐसी कि किस प्रकार से तिलक लगाना बहुत जरूरी है। जितने भी यमदूत हैं, यमदूत लोगों को फरमान जारी किया हुआ है यमराज के द्वारा कि अगर किसी के सर पे गले पे कंठी माला दिखती है या किसी के सर पे तिलक दिखता है, उसको दूर से प्रणाम कर लेना, उसको हाथ तक मत लगाना, यू शुड नॉट टच देम, भले ही वो मरने वाला हो, वो भगवान कृष्ण के कस्टडी में है, हमारी कस्टडी में है, हमारे लॉ के बाहर है, ठीक है। तो इसीलिए एक कहानी ऐसी आती है कि ऐसा उनको पहले कंडीशन था, अजामिल के साथ ऐसे एक बार केस हो चुका था, तो सबको ऑलरेडी यमदूत विष्णुदूतों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत पापी व्यक्ति था, एक पेड़ के नीचे वो मदिरा पी के टुल गिर गया, और गिरने के बाद ही वाज टोटली अनकॉन्शियस, पूरी तरह से टुल था, एंड दैट टाइम उसके मरने की घड़ी उस समय आ गई, और यमराज के यमदूत भी पहुंच गया, इसको तो लेके जाना है, और ये पूरी तरह से वो उस अचेतन अवस्था में मर गया उस पेड़ के नीचे। तो सब लोग खड़े थे, यमदूत लोग खड़े थे, उन्होंने हिसाब निकाला, भाई हमारे डेटाबेस में क्या लिखा हुआ है, भाई डेटाबेस में तो ये लिखा हुआ है, आदमी तो सही है, ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रहे कि बहुत पापी व्यक्ति है, लेकिन ले जाए कि नहीं लेके जाए, क्यों क्यों उनको कंफ्यूजन हुआ। प्रॉब्लम ये हो गया था कि जिस पेड़ के नीचे उसे शरीर छोड़ा था, उस पेड़ पे कौवा था, और कौवे ने थोड़ा एक्सटर्नल चीज से कुछ मतलब मलमूत्र त्याग कर दिया उसने, तो उसके सर पे उस पर डायरेक्ट गिरा, और सर पे इस प्रकार से गिरा वो व्हाइट पोर्शन ऐसा लगने लगा कि उसके सर पे मान लो तिलक है, विष्णु का तिलक। और ये यमदूत तो कंफ्यूज हो गए, यार क्या करूं, लेके जाए कि नहीं ले जाए, नहीं तो डंडा पड़ेगा, यमराज क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीजें उसके शरीर, उसकी जो आत्मा थी वो देख रही थी कि यमदूत लोग आए मुझे लेने के लिए, उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है कि चूंकि मेरे सर पे वो लोग बोल रहे कुछ तिलक 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 तिलक, क्या तिलक, तिलक क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तिलक, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। और अंत में कंफ्यूजन में जाके उन्होंने बोला, भाई पहले ही अजामिल के केस में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, हम नहीं इसको पकड़ के ले जाएंगे, ये वैष्णव है, इसको कुछ नहीं हाथ लगाना है, चलो यहाँ से। तो निकल गए, और जैसे निकल गए तो अब क्या करें, आत्मा उसके शरीर में फिर से आ गई, अगेन ही एंटर्स बैक, एंड देन ही आस्क डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, विष्णु दूत विष्णु के भक्तों को पूछते हैं, ये तिलक क्या होता है भाई, आपके सर पे ये क्या चीज है, उसकी क्या महिमा है जिसकी वजह से यमदूत भी मुझे लेकर नहीं गए। तो ये कहानी आती है शास्त्रों में, ये वर्णित की गई है कि
इस तिलक की इतनी महिमा है कि जिसको देखने से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। विष्णु का स्मरण दूसरों को होता है बाय सीइंग दिस विष्णुस तिलक आल्सो, विष्णुस लोटस फुटप्रिंट। साइमल्टेनियसली इट इज गुड फॉर अस कि अंत समय में अगर हमारा तिलक रहता है तो हमारे लिए दिस इज वी विल गेट अ हायर डेस्टिनेशन, अ बेटर डेस्टिनेशन। दूसरा चीज है कंठी। अभी कंठी में एक और प्रॉब्लम ये भी है, बहुत लोग सोचते हैं कंठी पहन के हम मांस मच्छी अंडा मछली जो भी खाएंगे खाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इवन प्याज लहसुन तक भी कंठी खाने रहने से नहीं खाना चाहिए। भले ही यमराज का आदेश है लेकिन तब जब तक नियम पालन कोई नहीं कर रहा है। और अब बोले शराब जनाब, इस तरह से बहुत लोग रहते हैं, पान वान पी रहे हैं और कंठी वंठी पूरा दांत वांत सड़ गए हैं सर पे। स्पेशली बंगाल में अगर देखेंगे पूरे भरे हुए, स्पेशली इफ यू गो टू मेनी होली प्लेसेस इन बंगाल, उनको पता है कि यमदूत से बचना है तो यमदूत को धोखा देने के लिए कंठी पहनते हैं और जो जॉलेर फॉल सब खाए, सब चलता है। बट आपको क्या लगता है, अपनी भगवान, हमने भगवान के शुद्ध भक्त को अपने गले में धारण किया, तुलसी महारानी को, और उसको गले में धारण करने के बाद गले के नीचे कभी भी अखाद्य पदार्थ नहीं एंटर करनी। प्याज लहसुन तो छोड़ ही दीजिए, मांस मच्छी अंडा अंडा वंडा कुछ नहीं। लेकिन हम यमराज को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, यमराज फूल बैठे हुए हैं क्या, मूर्ख हैं? तो उनको भी तो पता चल जाएगा ये हम लोगों को धोखा देने के बना, उसके तो और भी अच्छे से पिटाई पड़ेगी। तो डोंट थिंक दैट वी आर स्मार्टर देन यमराज एंड यमदूत, क्योंकि ये लोग स्पेशल विटनेस है। बाद 10 लोगों को भगवान श्री विष्णु ने स्पेशल पोटेंसी दे के रखी है, स्पेशल शक्ति दे के रखी है। तो इसी कारण से हमें हमेशा भगवान के स्पेशल दूतों को कभी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी कंठी वाला लेने के बाद हमें ये सारे अखाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भले ही ना खाए, भले ही घर पे गले पे ना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तिलक तो लगा सकते हैं, तिलक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट? तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर वैष्णव को, हर भक्त को हर दिन घर पे तिलक लगाना चाहिए। अगर दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, एटलीस्ट पानी का तिलक लगाना चाहिए, ठीक है? ये हमारे लिए हमेशा हर दिन जरूरी है। देर आर मेनी डिवोटीज आर ओल्डर डिवोटीज इन आवर ग्रुप, आपके लिए भी, सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट दिस हैबिट वी शुड बी एवरी डे रेगुलर, राइट? हरे कृष्णा। तो आज हम इसके द्वारा हम समाप्त करते हैं। अगले क्लासेस में हम और भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे, जिस प्रकार से फ्यूचर क्लासेस में आएगा, किस प्रकार से डेटी वर्शिप करना है, किस प्रकार से ऑल्टर सिंहासन घर पे रखना चाहिए, भगवान को कैसे रखना चाहिए, ये सारे हमारे कोर्सेस में आएंगे। तो टिल देन वी हैव लाइक प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर like this these classes and you will learn all these things. Hare Krishna. To kuch bhul truti hui ho shama kijiyega, and I am very thankful for all of you for attending. Hare Krishna. So we'll conclude by today's last prayers, antim prayers, by reciting the names of Sri Panchatattva and Hare Krishna Mahamantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो कुछ डाउट्स हैं, आई विल टेक पर्सनली। सुदर्शना माता जी, योर डाउट्स आर देयर, आई विल टेक योर डाउट्स पर्सनली। एंड नेक्स्ट संडे देर विल बी रिविजन ऑफ सेकेंड चैप्टर एंड देर विल बी अ वेरी खतरनाक स्टोरी, बहुत खतरनाक स्टोरी हम लोग कल की पुराण से लेने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो होपफुली देर विल बी मच नाइसर एक्सप्लेनेशन फॉर लाइक मच नाइसर थिंग्स टू लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू।